शिवा बेटे चला के खाना खा ले। नहीं माँ तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगा, परीक्षा के लिए बहुत पढ़ाई करनी है। पढ़ लिख कर आज तक किसी का भला हुआ है जो तू तीर मार लेगा? चल ये माल ले जाकर गबरू के यहाँ दिया। नहीं मुझे पढ़ना है। अबे फेंक ये किताबें। कान खोल के सुन लो, तुम मेरे बच्चे से ऐसे गलत काम नहीं करवाओगे। अरे पागल औरत, आजकल पुलिस की बड़ी चेकिंग चल रही है, अगर मैं या मेरा आदमी माल लेकर गया और पकड़ा गया तो 6-8 महीने के लिए अंदर हो जाएंगे। तेरा ये लाडला भी बच्चा है, अगर पुलिस ने इसे पकड़ भी लिया तो थोड़ा बहुत मारपीट कर 4-6 दिन में छोड़ देगी। कैसे बाप हो तुम? दुनिया अपने बच्चे को हर मुसीबत से दूर रखती है और एक तुम हो जो अपने मासूम से बच्चे को जानबूझ के मुसीबत में डालना चाहते हो। मुझसे जबान चला, आज मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। पिताजी पिताजी माँ को मत मारो, मैं जाता हूँ। नहीं शिवा, तू नहीं जाएगा। सीधी तरह से तुम माँ बेटे दोनों को बात समझ में नहीं आती। ये ले, ले, हट। साला जोची ये कहता है मेरे हाथ में दौलत की लकीर नहीं है, ये दौलत की लकीर मैं खुद बनाऊंगा। अब दौलत मेरी मुट्ठी में है। अरे बलवान, अरे हाथ को जख्मी करने से अगर आदमी अमीर हो जाता तो मैंने तो कब के अपने दोनों हाथ काट दिए होते यार। लेकिन मैं अमीर बनूंगा। हीरा, तुम्हारे सेठ धनराज के यहाँ 11 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे के लिए सेठ धनराज 11 लाख रुपए बड़ी आसानी से दे सकता है। दे तो देगा, लेकिन यार ये काम काफी खतरनाक लगता है बलवंत। हीरा, बिना खतरों को गले लगाए रातों रात अमीर नहीं बना जाता। जो लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं होते उन्हें दूसरों के मुंह से चम्मच छीनना पड़ता है, और फिर तुमने जो शराफत का चोला ओढ़ रखा है वो किस दिन काम आएगा? बलवंत, ये कौन है मेरी हिस्ट्री जानने वाला यार? ये बादशाह है मेरा यार, पैसे लेकर खून बहाना इसका पेशा है। आज रात बादशाह तुम्हारे घर आएगा, तुम्हें सिर्फ दरवाजे की कुंडी खोलनी है। क्यों चले आए? बच्चे के रोने की वजह से सब गड़बड़ हो गया है, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे साथ कहीं मैं भी ना फंस जाऊं। जाओ यहाँ से, कल सुबह फिर वहीं मिलेंगे, जाओ। Okay. कौन था ये बच्चा बताओ मुझे? जा सो जा। मैं नहीं सोऊंगी आज, आज तक मैं तुम्हारा हर जुल्म सहती आई हूँ, मगर पैसों के लिए एक मासूम बच्चे की जान नहीं लेने दूंगी तुम्हें। बेवकूफ औरत, बच्चे को कोई जान से नहीं मार रहा है, हमारी शर्त पूरे होते ही बच्चा माँ बाप को लौटा दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी शर्त पूरी नहीं हुई तो? बताओ बताओ मुझे, तुमने वो बच्चा कहाँ रखा है बताओ, नहीं तो मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा दूंगी। आराम शादी,
तू मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएगी? तेरी इतनी हिम्मत? तू जाएगी मेरे खिलाफ? मेरे गले में पड़े तुम्हारी इस मंगलसूत्र की कसम, आज मैं पति पत्नी के रिश्ते को भूल जाऊंगी। अगर तू पति पत्नी के रिश्ते को भूल सकती है तो मैं इस रिश्ते को मिटा सकता हूं। देख बलवंत, तू वैसे बचता नहीं है, लेकिन वो क्या है कि तू अपना दोस्त है और तुझे बचाना तो बिलारे का फर्ज है। तू एक काम कर, कल मुझे 10,000 रुपए और दे दे, तेरा काम हो जाएगा। दिए। चलो सावरा, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, हटो सावरा, हाँ चलो। क्यों बुलदार, कम हो गया? बिल्कुल साहब, बिल्कुल हो गया काम। जाओ यार, तमाशा लगा क्या? नौटंकी नगर, चल फोट फोट, चलो। ए चल ना रे, हल क्या रे, अब रोता है? चल हमारे साथ। ये साला पहले अपनी माँ का खून करता है, हा? फिर रोता है। मैंने माँ का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने माँ। अरे झूठ बोलता है, तूने अपनी माँ का खून नहीं किया, नहीं किया तूने। इंस्पेक्टर साहब ले जाएंगे इसे, इसने मेरी बीवी अपनी माँ का खून किया है। मेरा बेटा है तो क्या हुआ, कानून सबके लिए बराबर है, ले जाएंगे इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे माँ का खून नहीं किया, मेरे माँ का खून नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं किया, छोड़ दो मुझे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सेठ जी। एक तरफ तो दिल चाहता है कि पुलिस को बता दे कि गुंडों ने रुपए लेकर कहाँ आने को बोला है, मगर दूसरी तरफ डरता हूँ कि कहीं उन लोगों ने हमारे मुन्ने राजा को। नहीं नहीं, पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सेठ जी, उन्होंने आपको अकेले आने को बोला है, मगर हीरा भी आपके साथ चलना चाहता है। सेठ जी, नहीं। सेठ जी, भगवान ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपका नमक हराम नौकर, मेरा मतलब ये फादर नौकर, अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकेगा। सेठ जी, सेठ जी, परसों मैंने आपका नमक खाया है, अब मैं उस नमक की कीमत चुकाना चाहता हूँ। सेठ जी, मुझे अपने साथ नहीं, हीरा नहीं, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, मैं अकेला जाऊंगा। सेठ जी, सेठ जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। सेठ जी, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, फोन कर देना, मैं जाऊंगा। लेकिन मेरा बच्चा तो मुझे दे दो, मेरा बच्चा कहाँ है, कहाँ है मेरा बच्चा? बलवंत, बलवंत भाग। के नाम पे देते जाओ बाबा,
इस बच्चे को खत्म कर दो बादशाह, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए। सेठ ने मेरे साथ धोखा किया है। बच के निकल गया, तुम लोग यहीं ठहरो। यस सर। तीसरी बार उस हरामजादे दामोदर ने हमारा माल लूटा है। एक तो वो तड़ी पार है, ऊपर से इसी शहर में रहता है और ऊपर से लूट मार करता है। इसी से उसकी हिम्मत का अंदाजा लगा लीजिए हीरा सेठ। मेरा ख्याल है उससे हाथ मिलाने में ही भलाई है। शट अप! मैं अपने दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता, उनके हाथ काट लेता हूँ। दामोदर के हाथों में बहुत दम है हीरा सेठ, पलक झपकते ही गला काट देता है। दुश्मन की ज्यादा तारीफ की तो जबान काट के रख दूंगा। ये दामोदर मेरे लिए सरदर्द बनकर रह गया है और तुम जानते हो मुझे सरदर्द जरा भी पसंद नहीं। शिवा नाम की एक गोली है हीरा सेठ, जो आपके इस सरदर्द को दूर कर सकती है। कौन शिवा? एक पेशावर कातिल, जुर्म की इस दुनिया में आजकल उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। ठीक है, शिवा की चाकू पर इस हरामजादे दामोदर का नाम लिखवा दो, आज अभी। अच्छा, अब उनके नाम का सुपारी निकाले लाए। ए शकुरा, ये साला बंबई शहर में ऐसा कौन सा शाणा पैदा हो गया रे, जो आप उनके नाम का सुपारी ले सकता है? आ, 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 अरे साला अपुन तो वो है कि जिंदा तो जिंदा, साला मरे हुए को भी मारता है। इस खिलौने के साथ मैं बचपन से खेलता आया हूं, अब यह मेरा दोस्त बन चुका है, मेरा साथी। मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा। यकीन नहीं आता तो एक बार फिर से कोशिश करके देख। दामोदर, मेरे चाकू ने तेरे खून को चखने की कीमत ले ली है, लेकिन जुर्म के इस बेउसूल दुनिया में मेरी भी कुछ असूल है। मैं अपने शिकार को कभी सोते हुए नहीं मारता, जगा कर मारता हूं, ताकि मरते वक्त उसे शिकायत न रहे कि मैंने उसे अपनी जिंदगी बचाने का मौका नहीं दिया। अब उन बहुत खुश हुआ भिड़ो, पहला टाइम किसी ने दामोदर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत की है। पहला टाइम किसी ने दामोदर का फेंका हुआ चाकू पकड़ा है। पहला टाइम किसने दामोदर के अड्डे पर आकर उसको धमकी दी है। दुनिया का हर काम एक न एक दिन इंसान के साथ पहला टाइम ही होता है दामोदर। जन्म का पता 9 महीने पहले चल जाता है,
मगर मरने का पता 9 सेकंड पहले भी नहीं चलता, इसलिए मैं मरने वाले को 9 घंटे की मोहलत देता हूं ताकि वो अपने क्रियाक्रम का सामान अपने हाथों से खरीद सके। चलता हूं। ये चाकू मैं तेरे कंधे के बजाय तेरे सीने में भी उतार सकता था, मगर मैं बगैर कीमत किसी का खून बहाना नहीं चाहता। 9 घंटे बाद मुलाकात होगी। अरे साला, अपुन को मारेगा तब ना जब खुद 9 घंटे तक जिएगा। हराम ज्यादा अपुन को मारने की धमकी देकर आया था। देख, अपुन तेरी अर्थी का सामान खरीद कर लाया है। तू मर तो गया है, लेकिन अपुन फिर भी तेरे को मारेगा, क्योंकि अपुन वो है जो जिंदा तो जिंदा मरे हो को भी मारता। क्रियाक्रम का सामान कोई भी खरीद कर लाए दामोदर, मगर काम उसके आता है जिसका वक्त आया हो। शिवा भाई, ये हैं हमारे हीरा सेठ यानी डायमंड, जिनकी चमक से गुनाहों की दुनिया रोशन है। और हीरा सेठ, ये है शिवा यानी मौत का सौदागर। भाई वाह, तुम्हारे जैसे आदमी का स्वागत तो फूलों के हार से होना चाहिए। शिवा भाई, तुमने दामोदर को मारकर मेरा जीवन खुश कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है, वरना उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। 3 बार मेरा माल ऐसे उठाकर ले गया जैसे उसके बाप का माल हो। तुम्हारा काम हो गया? हाँ, मेरा काम तो हो गया। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवा, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करो। शिवा आजाद शेर है, कोई पालतू कुत्ता नहीं जिसके गले में तुम जंजीर डाल सको। अरे तो मैं कहाँ तुम्हारे गले में जंजीर डाल रहा हूँ।
तुम आजाद शेरो, आजादी रहो, पर कभी कभी हमारे लिए भी शिकार कर लिया करो। बदले में तुम्हें जितना माल चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। हीरा सेठ, मेरी एक बात दिलो दिमाग में बिठा लो। शिवा कोई ऐसे आदमी को मारने की सुपारी नहीं लेगा जो निर्दोष हो या जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला हो। समझ गए? समझ गया, समझ गया। अरे एक मिनट शिवा, आओ जल्दी आओ, एक मिनट, एक मिनट। मेरी तरफ से ये छोटा सा नजराना। तुम सिर्फ वही पैसे देना हीरा सेठ जो सुपारी लेते वक्त हो। अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आई शिवा, कि तुम इतना रुपया कमाते हो फिर भी इन फर्नीचर हालात में रहते हो, क्यों? मैं रुपयों का क्या करता हूं यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मैं जानना नहीं चाहता, सिर्फ इतना बता दो बरसों से सनात आश्रम में तुम ये गुप्तान क्यों करते हो? ताकि फिर कोई अनाथ उस राह का रागीर ना बने जिसका मैं मुसाफिर हूं। अरे यार, शादी के दिन तो दूल्हे राजा की बादशाहत होती है। पर है। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वन में तू कहाँ जा रहा है? सलाम मार सलाम। पता नहीं तेरे होटल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है और मैं मुसलमान बनकर आया हूँ। हाँ, और यकीन नहीं आता तो ये 20 रुपए रख ले। ऐश कर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब तो तेरी सालियां चांदी की थाली में चांदी के चम्मच से तेरे चमचम खिलाएंगी। लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई। चलो चलो जल्दी चलो, ये फुल हो जाएगी। अरे आप क्यों खड़े, एक आदमी के लिए जगह है। आइए आइए आइए। ओके बाई बाई। लगता आपकी नई नई शादी हुई है, नर्वस लग रहे हो, पान खाएंगे? जी नहीं। पलंग तोड़ है? एक्सक्यूज मी, डूले राजा आप कौन से माले पर जा रहे हैं? नवा माला, रूम नंबर 917। ओ नाइन वन सेवन। जीजा जी, आइए ना, अंदर आइए। आता हूँ, आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए बैठिए। जीजा जी एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? तुम? मेरा मतलब है आपको खाने में कौन सी चीज पसंद है? खाने के मामले में मुझे सब कुछ पसंद है। अच्छा? हम दूल्हे राजा के दोस्त हैं। कोई दोस्त अंदर नहीं आएगा, हम लोग दूल्हे राजा की खातिरदारी खुद कर लेंगे। जब तक हमारा दोस्त नहीं कहेगा हम हरगिज नहीं जाएंगे। जीजा जी कहते हैं वो खाना खा रहा है, आप लोग बाद में आइए। शादी होते ही दोस्तों को भूल गया। चलो यार, चलो, 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 चलो यार। देखिए मैं तो बड़ा हल्का फुल्का खाने वालों में से हूँ। तभी तो आप इतने हल्के फुल्के हैं। अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा काम कैसे करेंगे? देखिए मैं बड़ा सीरियस किस्म का आदमी हूँ, मुझे ऐसे लुच्चे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा तो फिर आप ये साबित कर दीजिए कि ना ही आपको लुच्चे मजाक पसंद है और ना ही आप लुच्चे हैं। अरे मैं तो आपकी मर्दानगी का लोहा मान दूंगी अगर आप ये सारा खाना खा ले तो। तो ठीक है, आज मैं कुछ हल्का फुल्का खा ही लेता हूँ। गया। और कुछ बचा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब खाने का नहीं पचाने का वक्त है। जाइए अंदर, हमारी सहेली आपका इंतजार कर रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तो यहाँ सोफे पे ही सो जाऊंगा। क्या? देखिए हमने खिला पिलाकर आपको यहाँ सोने के लिए तैयार नहीं किया है। चलिए उठिए, जाइए अंदर। नहीं
आज मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ। अरे नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत कीजिए। सुनो 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 सुनो, अब क्या शर्माने का नाटक कर रहे हो? अगर मेरे पेट में तुम्हारा एक महीने का बच्चा नहीं होता तो ये शादी हमारी हरगिज नहीं होती और ये दिन कभी नहीं आता। मुंडी क्या हिला रहे हो? तुम ही तो कहते थे सुहाग रात तो सभी मनाते हैं, हम सुहाग दिन मनाएंगे। वैसे भी सुहाग रात तो तुम मना ही चुके हो। अब तुम मेरा घूंघट उठाते हो या मैं तुम्हारी पगड़ी उछालूं? जाता या एक दूं? लगता है शिवा घर पर नहीं है। अगर होता तो कबूतरों को दाना खिला रहा होता। कबूतर जा जा, अरे बाप रे, कबूतर जा। तो सलीम साहब आज आप फिर पिट कर आ गए। कौन कौन कह रहा है? कौन पिट के आ रहा है? तेरी ये चाल बता रही है और गवाही दे रहा है तेरा ये थोबड़ा। ये वो क्या कि मैं दौड़ पे सड़क रहा था? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं सड़क पर दौड़ रहा था और अचानक मेरा पैर फिसल गया। सलीम, कितनी बार कहा है तुझे ये सब छोड़ दे। अरे तुझे पैसे छीने एक बार बोलकर तो देख, पैसे मैं तोल कर रख दूंगा। जब तेरा दोस्त कमाता है तो खाने पीने की चिंता क्यों करता है? शिवा, मैं खुद मार खा कर रोटी खाता हूँ, किसी को मार कर रोटी नहीं खा सकता। ये सच है कि हम दोनों का बचपन एक साथ एक ही छत के नीचे गुजरा है। हमारा घर एक है शिवा, लेकिन रास्ते अलग अलग। ना मैं तेरे रास्ते पर चल सकता हूँ और ना तू मेरे रास्ते पर चल सकता है। मैं भी तेरे उन रास्तों पर नहीं चल सकता सलीम, जहाँ सारी दुनिया हमारे जैसे लोगों को ठोकर मारती है। ठोकर मारने वाले को अपने चाकू की नोक पर रखता हूँ मैं। जो दुनिया ने मुझे दिया है वही उसे लौटा रहा हूँ। पर दोस्त, हर मसले और मुसीबत का छुटकारा चाकू की धार पर नहीं लिखा। बस बस, अब तू अपना भाषण बंद कर। तू अपने ढंग से जिंदगी जी और मुझे अपने ढंग से जीने दे। जो बात मेरे भेजे में घुस गई उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अब तू जा, मुझे परेशान मत कर। तो चल, आज मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर देता हूँ। सलीम, तू मुझे बोर मत कर, तू निकल यहाँ से। तो चल ना मेरे साथ। अरे कहाँ चलूँ? वहाँ जहाँ जमीन पर जन्नत नजर आएगी, वहाँ। ये तू मुझे कहाँ ले आया सलीम? जन्नत में। अरे भाड़ में गई तेरी जन्नत, मैं वापस जा रहा हूँ। अरे रुक, ठहर ठहर। अरे अरे दूल्हा ना सही, बाराती तो बन के चल मेरे साथ। आदाब, आदाब, चमचे। अरे मौसी, सलाम सलाम सलाम। सलीम कैसे हो? अरे शिवा खड़ा क्या, बैठ बैठ बैठ। अरे अपना ही घर है। ये कौन है? मेरा दोस्त है शिवा। लगता है पहली बार आया है। हाँ मौसी, इसलिए मेरे दोस्त के लिए ऐसे फूल का इंतजाम कर दे जिसकी खुशबू से ये रोज यहाँ आने पर मजबूर हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, अभी लो लड़कियों। सुभान अल्लाह, मुझे तो गुलाबी वाली कुछ ज्यादा ही पसंद है। तुझे कौन सी पसंद है? यहाँ से चले। साली नखरे करती है, तेरे मामा को 20,000 नकद दिए हैं। तो मेरे मामा को धंधे पर बिठा। मैं ये धंधा नहीं करने वाली दरियल, चाहे तो कुछ भी कर ले। ए, कौन है तू? इधर काहे को आया? चल फूट यहाँ से। जब यह लड़की धंधा नहीं करना चाहती तो क्यों जबरदस्ती करते हो? चल चल, बहुत हो गया, खामोखा मारा जाएगा, इधर से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मौसी, जब मेरे दोस्त ने कह दिया कि ये लड़की धंधा नहीं करेगी तो समझ लो ये कलयुग के बादशाह का फरमान है, और ये फरमान ना तुम बदल सकती हो ना तुम्हारे वो घिसे पिटे चमचे। अभी बताती हूँ। बता। पकिया पठान, उधर जो हीरो है उसके हाथ पैर तोड़ कर फेंक दो। ओए कौन है बे? अरे शिवा भाई, आप यहाँ? हुक्म कर दिया होता। पठानिया धंधा बंद करना है तुझे? कोई गलती होगी शिवा भाई। ये लड़की धंधा नहीं करना चाहती तो इसे कोई मजबूर नहीं कर सकता, समझे? चलो बोलो यहाँ से। चलो चलो चल बे।
अगर तुम्हें यहाँ से जाना तो जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। अगर मैं बाहर गई तो मेरा मामा मुझे फिर बेच डालेगा। मुझे अपने घर ले चलो, मैं जी जान से तुम्हारी सेवा करूंगी। तुमने मेरे घर की छत नहीं देखी। मेरे घर की छत से पानी नहीं, खून बहता है, खून। तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। सारा प्रोग्राम चौपट। ए सुन, कौन है ये मर्द बच्चा जो एक ही बार में घायल करके चला गया? मेरा दोस्त है शिवा। वैसे क्या इरादा है? प्यार करने का इरादा है। प्यार? और वो भी उस पत्थर दिल से? वो प्यार का मतलब नहीं समझता। अरे उसे मतलब भी समझा दूंगी और प्यार करना भी सिखा दूंगी, बस तुझे मेरी मदद करनी होगी। जरूर, पत्थर को पिघलता हुआ कौन नहीं देखना चाहता। सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। अरे डॉक्टर साहब बराबर देखिए, कहीं सेठ जी को दिल का दौरा तो नहीं पड़ने वाला? जी नहीं। कोई कैंसर वैंसर जैसी खतरनाक बीमारी तो नहीं? आप सेठ जी को जिंदा देखना चाहते हैं या जीते जी उन्हें मार देना चाहते हैं? अरे मैं तो सेठ जी का सबसे वफादार और जिम्मेदार नौकर हूँ। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि हम सब नौकरों की उम्र भी सेठ जी को लग जाए। मगर एक बात समझ में नहीं आती कि आज के दिन ही सेठ जी की तबीयत को क्या हो जाता है। आज का दिन वो मनुष्य दिन है हीरा, जिस दिन हमारे बेटे को हमसे छीन लिया गया था। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब इंसान अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। सेठ जी अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और यही वजह है कि अपने दुख पर काबू पाने की कोशिश में उनका बीपी हाई हो जाता है। आज इनका बीपी मैं नीचे लाऊंगी। वो कैसे बेटी? भले मैं इनकी बेटी हूँ मगर आपके बेटे का गम मैंने हमेशा आपके साथ बांटा है ना। बस अब हम दोनों का सहारा एक तू ही तो है बेटी। तो फिर चलिए मेरे साथ, आज मैं आप लोगों को घुमाऊंगी फिराऊंगी, आपका दिल बहलाऊंगी। उसके बाद हम मंदिर जाएंगे और आपके बेटे की वापसी की प्रार्थना करेंगे। चलिए। एक मिनट सेठ जी, जरा इस चेक पर साइन तो कर दीजिए। ओफो, कितनी बार कह चुका हूँ एक ही दफा सब चेक पर सिग्नेचर ले लो, ये रोज उसका झंझट क्यों करते हो? सेठ जी आप तो भगवान के मंदिर में जा रहे हैं और एक दिन मुझे भी भगवान के घर जाना है, कहीं ईमान पर दाग लग गया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा ये लो और हमें जाने दो। आओ पार्वती। मंदिर जाने से 20 साल बाद मुर्दा बेटा जिंदा नहीं हो जाएगा सेठ जी। अरे यार विकी, भैया ने तो और भूख बढ़ा दी, खाना कब आएगा? अभी आ जाएगा यार। ए कम यार। यस सर। अबे सर के बच्चे इडियट, अभी तक तू हमारा ऑर्डर क्यों नहीं लाया? अभी लाया सर। दो दो घंटे लगेंगे क्या एक एक चीज लाने में बास्टर्ड? देखिए आपको इस तरह मुझे गाली देने का कोई हक नहीं पहुंचता है। 2% का आदमी हमसे जबर लड़ाता है, मेरी गर्लफ्रेंड पे गिरता है। मैनेजर। क्या बात है सर? कॉल द मैनेजर, मैं अभी और इसी वक्त उससे बात करना चाहता हूँ। क्या लगा रखा है ये, कैसा होटल है? जाने दीजिए सर, बेचारा कल ही तो नौकरी पर लगा है, खामखा क्यों आप बात बढ़ा रहे हैं? शट अप, कॉल द मैनेजर। तुमने एक गरीब को गाली दी, उसे चांटा मारा सिर्फ इसलिए कि ये इस होटल का मामूली सा वेटर है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माफी मांगो इससे। नहीं मांगूंगा, तू क्या बिगाड़ेगा हमारा? अगर तू चाहता कि तेरे घर वाले तेरा ये चेहरा पहचान ले तो माफी मांग। अबे ओ गंदी नाली के कीड़े। अंकल ये क्या भिखारी जैसी हालत बना रखी है विकी? हीरा अंकल आपने कैसे वेटर रखे हैं जो हमसे जबान लड़ाते हैं और उनके साथ ही हम पर हाथ उठाते हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, इन्हीं लोगों ने खाम खाम। शट अप, यू आर फायर्ड एंड गेट आउट।
ये नौकरी से नहीं निकाला जाएगा हीरा सेठ, गलती इसके नहीं इन लोगों की है। शिवा बात को क्यों बढ़ा रहे हो, आखिर ये तुम्हारा कौन लगता है? ये बड़े टेढ़े मेढ़े रिश्ते हीरा सेठ तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। इन बच्चों से कह दो कि इससे माफी मांग ले, वरना ये चाकू सिर्फ स्लाइस पर मक्खन लगाने के लिए नहीं, किसी और भी काम आ सकता है। बच्चे तेरी भलाई इसी में है कि तू इससे माफी मांग ले। ये आप कह रहे हैं अंकल, आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं किसका बेटा हूँ। जानता हूँ बच्चे, लेकिन तू नहीं जानता कि ये सारे शहर का बाप है। चल माफी मांग ले। मैं नहीं मांगता। मांगना। मुझे माफ कर दीजिए सर, आज आपकी वजह से मेरी नौकरी बच गई, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से एहसान कम हो जाता है। अगर आज मेरे हाथ से नौकरी चली जाती ना, तो मुझसे ज्यादा दुख मेरे बाबा को होता। कौन है ये बाबा? वैसे तो एक इंसान है, लेकिन किसी देवता से कम नहीं। मैं किसी को सड़क पर पड़ा मिला था, उसने मुझे बाबा के हवाले कर दिया। बाबा ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरे अपने माँ बाप कौन हैं, कहाँ हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं। मुझे तो यही पता नहीं कि मैं उनसे बिछड़ गया था या उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। बहुत ही खुशनसीब हो दोस्त कि तुम्हारे सर पर किसी फरिश्ते का हाथ है, वरना माँ बाप से बिछड़ने के बाद तो अक्सर शैतानों से मुलाकात होती है। ये खूबसूरत शहर देख रहे हो, बहुत ही बदसूरत लोग बसते हैं इसमें, बहुत ही जालिम और बेदर्द। बच्चों से उनकी मासूमियत छीन लेते हैं, गिरोह को ठोकर मार मार कर और गिराते हैं, और कभी कभी तो अंधेरों की इतनी गहरी खाई में गिरा देते हैं कि आदमी बिल्कुल तन्हा हो जाता है, बिल्कुल अकेला, एक जजीरे की तरह। कौन हो तुम? मुझे बचा लीजिए हुजूर, मेरे पीछे तीन गुंडे पड़े हुए हैं, मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं वो, बचा लीजिए। अच्छा मैं देखता हूँ। नहीं, मेहरबानी करके दरवाजा मत खोलिए, बहुत खतरनाक लोग हैं वो। ऐ दरवाजा खोलो। ओए कोची, तुम क्या समझती घर में घुस के? तुम यहाँ रुको, मैं देख कर आता हूँ। आपको मेरी कसम। ओए गुड़िया, तू तो मैनू बड़ी पसंद आ गई है, तेनू तो मैं पंजाब लेकर ही जावांगा। सौरभ दे, ए सरदार। अरे तीला तर मी माजी बायको बनवीन। अरे तीला पाऊं तर माजा जीव पोपड हाय, कसा मीठू मीठू बोला लाग रहा है। चलो चलो कांजीर के बच्चा, काय को झगड़ा करती है? ओए सरदार जी, ना तुमको मिलेगी, ओए मला जी, ना तुमको मिलेगी। वो गुलिस्तान गुलफाम गुलगुल को हम काबू लेके जाकर अपनी बेगम बनाएगी। वही 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 वही। क्या हो रहा है ये? ओए कोई गल नहीं पापा जी, सड़ी को कौन है वो बुरखे वाली? कौन है वो लड़की? नहीं मालूम। कौन है वो लड़की? तू खुद ही जाके देख लेना। सलीम, सलीम, ए लड़की, तुम? और कौन हो सकता है यार? बाहर निकलो। नहीं निकलती। मैं कहता हूँ बाहर निकलो। अरे ए साला, अच्छा तरीका है बाहर निकालने का। अरे तुम मेरे पीछे क्यों बड़ी हो? क्या करूं साला, अपना दिल आ गया है तेरे पे, लेकिन तू इतना भाव क्यों खाता है? सलीम, अरे रे 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 रे। सलीम देख, मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। मेरी बात तो सुन यार, मेरी बात तो सुन, सुन यार। अरे रे, मौका मिला है दिल लगाने का, लगा लेना, पूरी रात पड़ी है। सलीम सुबह से पहले न दरवाजा खुद खोलेगा न किसी को खोलने देगा। ए चुप। ए, 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 रोना नहीं, रोना नहीं। अरे चुप। एक ही साला डांटता है, ऊपर से रोने भी नहीं देता। कहाँ फंस गया यार, क्या करूं? क्या करूं, क्या करूं, क्या करता है रे? एक रोती हुई लड़की को चुप कराना भी नहीं आता है तेरे को? आज तक ये काम किया नहीं ना। ठीक है, मैं सिखाती हूँ। एक ग्लास पानी लेकर आ। ला ना साला। पिला मुझे।
अब जेब से रुमाल निकाल। मेरे आंसू पोंछ। मगर तुम्हारी आंख में आंसू है ही नहीं। पोंछ। अब मेरा हाथ पकड़। पकड़ यार। और कुछ? अपने गले से लगा ले। हाँ? गले से लगा ले ना साला। अरे अरे अरे। क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम हंस क्यों रही हो? तुम चीखे क्यों थी? चूहे को चाकू से नहीं डंडे से मारा जाता है। चूहा? कहाँ है चूहा? अरे चूहा। तुम हंसते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। अब सो जाओ। जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। अपनी मोहब्बत को अरमानों के कफन में लपेट कर यहीं दफन कर दो, वरना पछतावे के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राख के ढेर में आग नहीं लगा करती पारो। भूल जाओ मुझे। आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं करूंगी। अच्छा तुम बरसों पहले अचानक कहां गायब हो गए थे? जो जुर्म बहुत पहले छोड़ दिया था वही जुर्म बरसों से मेरा पीछा कर रहा है। उसी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं भागता रहा। अब जिंदगी का आखिरी वक्त करीब आ गया है। सोचता हूं मरने से पहले मुझ पर जो एक कर्ज है उसे चुका दूं। कर्ज? कैसा कर्ज? उस बच्चे का कर्ज जिसे मैं तुम्हारे हवाले कर गया था। वो बच्चा तो अब जवान हो गया है बादशाह। वो देखो इतना बड़ा हो गया है ये। अब तो कमाने भी लगा है। वेटर की नौकरी करता है। वेटर की नौकरी? इतने बड़े सेठ का बेटा नौकर? हेलो। हाँ मैं सेठ धनराज बोल रहा हूँ। सेठ जी मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। मैं फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? बादशाह जो आपकी खोई हुई खुशियां आपको लौटा सकता है। क्या तुम जानते हो मेरा बेटा कहाँ है? अरे तो फिर मुझे बताओ ना मेरे बेटे के बारे में। देखो मैं तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूंगा बादशाह। अपनी तमाम दौलत तमाम जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा। बस मुझे मेरा बेटा दे दो। एक और खास बात, जब तक मैं आपसे ना मिल लूं इस बात का किसी को पता ना चले। अरे हीरा, हीरा ये खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। हमारा बेटा, हमारा, देख तू किसी को बताना नहीं है, फिर बताऊंगा। हमारा बेटा जिंदा है। हाँ, पार्वती, ओ पार्वती, ओ पार्वती। क्या हुआ? अरे हमारा बेटा हमें मिल गया, हमारा खोया हुआ बेटा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ पार्वती, मैं सच कह रहा हूँ। अभी फोन आया था। किसने किया था? अरे हाँ, वो बच्चा, बच्चा ने फोन किया था। वो जानता है हमारा बेटा कहाँ है। हाँ, अरे मुझे नहीं, हीरा तू जा जल्दी से वॉचमैन को कह दे मुझे कोई भी मिलने आया उसे रोके नहीं, जल्दी से मेरे पास भेज दे। जा जा हीरा, जा जा। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों है? 20 साल पहले मरा हुआ मुर्दा जमीन फाड़ कर बाहर निकल आया है, उसे दोबारा दफन करना है। बादशाह, मैंने जो तुझे 9 घंटे की मोहलत दी थी वो खत्म हो चुकी है। सुना था तू बड़ा सूरमा है, ये हत्थे पे वार करेगा। अगर सचमुच मर्द का बच्चा है तो एक चाकू मुझे भी दे दे। चाकू एक है मगर चलाएंगे हम दोनों।
बुढ़ापे का जवानी से मुकाबला कभी नहीं होता शिवा। नजर कमजोर हो चुकी है मेरी। मुकाबला तो करना ही है बादशाह। चल बुढ़ापे और जवानी का फर्क भी मिटा देता हूं। सचमुच बड़ा अच्छा चाकू चलाता है, लेकिन याद रख, ये चाकू बड़ा बेईमान होता है। ये चाकू नहीं, तू बेईमान है बादशाह। तूने हीरा से किसी का खून बहाने की कीमत लेकर भी उसका खून नहीं बहाया। किसका खून बहा था शिवा? एक दूध पीते मासूम बेगुनाह बच्चे का, जो अपने बचाव के लिए न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। हाँ, मैं उसे मार नहीं गया था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको मारना चाहा, उसने मेरी तरफ ऐसे मुस्कुरा कर देखा कि मेरा हाथ कांप गया, चाकू गिर गया। फिर चाकू मेरे हाथ से कभी नहीं उठ सका शिवा, कभी नहीं उठ सका। एक बात जिंदगी भर याद रखना शिवा, बहादुरी चाकू उठाने में नहीं, उसे तोड़ देने में है। तोड़ दे इस चाकू को, तोड़ दे, वरना ये चाकू एक दिन तेरा भी साथ छोड़ देगा शिवा। आप कब तक उसके इंतजार में टहलते रहेंगे? पार्वती, मेरी समझ में नहीं आता वो आदमी अब तक आया क्यों नहीं। झूठ की जबान होती है बाबा, पाव नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने बेहुदा मजाक किया है। नहीं बेटी, मेरा दिल कहता है कि फिर वो आदमी एक नंबर का धोखेबाज होगा, जो शायद आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपसे रुपए ऐंठना चाहता हो। फिर बाद में किसी और वजह से उसने अपना इरादा बदल लिया हो। नहीं बेटे,
उसकी आवाज में सच्चाई थी। बेटे की जुदाई के अलावा जो बरसों इसने अपने दिल में दबा रखा था अचानक वो फटकर बाहर आ गया। बूढ़ा वसीयत बनाने से पहले मर गया तो उसकी मौत का मुझे इतना दुख होगा जितना अपने सगे बाप के मरने पर भी नहीं हुआ था। बच्चा पलटी मुर्गा आ रहा है, जो बताया था समझ गए ना? गुड गुड, अभी आया। अरे माल डाला रे, हाय गरीब को माल डाला, हाय हाय, कोई है गरीब की सुनने वाला? मर गया गरीब, अरे माल डाला। भाई साहब, ओ भाई साहब, कहीं चोट तो नहीं लगी? अबे अंधा हो गया क्या? सर से लेकर पांव तक जख्मी हो चुका हूँ और पूछ रहा कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे हाय मेरी माँ, मैं मर गया रे। नहीं नहीं बच्चा, लोग पुलिस को मत बुलाओ, मत बुलाओ। वैसे भी शक्ल से इतने शरीफ लोग लगते हैं, पुलिस आ जाएगी तो इनसे बहुत लंबा तोड़ पानी कर लेगी ना। सेठ जी, आप मुझे कुछ दवा पानी के पैसे दे दीजिए। सेठ जी से क्या बात करता है, मुझसे बात कर। साला सूट पहन लिया तो ड्राइवर से मालिक बन गया क्या? ड्राइवर का बच्चा ड्राइवर है, ड्राइवर ही रहेगा। और वैसे भी ऐसे भाड़े के सूट मैंने बहुत पहन लिया, ड्राइवर की औलाद। सेठ जी, अगर मैं गरीब ना होता तो आपसे कभी अस्पताल का खर्चा भी नहीं मांगता। चले 100 रुपए ले, चल। अबे हट, भिखारी समझ रखा है क्या? 100 रुपए में तो डॉक्टर जख्मी को हाथ भी नहीं लगाता है। सेठ जी, मुझे कम से कम 1000 रुपए तो दे दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये लो 1000 रुपया भैया। सेठ जी, अरे तुम चुप रहो ना, ये लो 1000 रुपया, चलो चलो चलो। ये लो बच्चो, ऐश करो, चॉकलेट खाओ। हमें 1 रुपया, खुद 1000 रुपया। अबे दूंगा 1, तुम लोगों ने किया ही क्या है, खाली बकरों की तरह चिल्लाए खून खून। जान तो खतरे में मैंने डाली, कहीं पैंतरा उल्टा सुल्टा पड़ जाता तो लेने के देने पड़ जाते, पूरी की पूरी गाड़ी मुझ पर चढ़ जाती और तुम लोग बात कर रहे हो। बात तो सही कह रहे हो भैया, अब आप ही समझाओ ना इन बच्चों को। मैं भी भागता हूँ। अरे तुम कहाँ खिसक रहे हो, पुलिस स्टेशन नहीं चलोगे बेटे? नहीं सेठ जी, आप ये पैसे वापस रख लीजिए, आप तो मेरे भी बाप निकले। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हें तुम्हारे बाप से जरूर मिलवा सकता हूँ, अच्छी एक्टिंग करते हो, आओ मेरे साथ। कहा? अरे आओ ना बेटे, अरे आओ ना। ले जा रहा हूँ, मैंने तो पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन हीरा, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये मेरा बेटा है? बापू मैं आप ही का बेटा हूँ। रो मत रो मत, मैं बताता हूँ। सेठ जी, आपका हीरा कोई ऐसा वैसा खिलाड़ी नहीं है, बहुत ठोक बजा कर लाया हूँ इसे। बादशाह बेचारा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले आपके बेटे को मुझसे मिलाने का नेक काम कर गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बेटा दिखाओ अपने पिताजी को। क्या निशानी? निशानी ये देखिए सेठ जी, क्या ये वही लॉकेट नहीं जो आज से 20 साल पहले आपने अपने हाथों से अपने बेटे के गले में डाला था? पार्वती, ओ पार्वती। जी? देख पार्वती, 20 साल बाद हमारा खोया हुआ बेटा मिल गया। ये हमारा मुन्ना है। हाँ। क्या? माँ, माँ, माँ। मैं ही तुम्हारा बदनसीब मुन्ना हूँ माँ। बेटा, माँ। मेरा बेटा, कहाँ था तू इतने दिन? बंबई की झोपड़पट्टियों में और किस हाल में था ये मत पूछेगा। बेटे, पिताजी। बेटे, बेटे। अरे, ये क्या कर रहा है? तू रो रहा है? नहीं बेटे, आज के दिन नहीं रोते, आज तो खुशी का दिन है। रोने दीजिए पिताजी, रोने दीजिए, आज तक तो मैं सिर्फ दुख में रोता आया हूँ, आज पहली बार खुशी में रोने का मौका मिला मुझे, रोने दीजिए ना। नहीं, 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 बस कर बेटे, बस कर, बस कर, बस कर। अरे कैसे बस करूँ, तुम अपने असली माँ बाप से मिलते तो तुम्हें पता चलता। बेटा चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूँ, चल। तू फिक्र मत कर माँ, मैं अपना कमरा खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा बेटा। धन्यवाद हीरा, धन्यवाद पार्वती बहन। शुक्रिया। I love, मेरी तो लाइफ बन गई, चल पड़ी मेरी तो निकल पड़ी। वाह हीरा अंकल, क्या कमाल की जगह ले आओ मुझे, या तो रोज फ्री में बायोस्कोप भी देखने को मिलेगा, अच्छा टाइम पास भी हो जाएगा। आगे और थोड़ा ऊपर, वाह वाह, करेक्ट एकदम ऐसे। हाँ बेटी, बदतमीज,
अरे अंकल आपने तो मेरी जिंदगी बना दी, आपने मेरी लाइफ बना दी। अंकल फिर से ना मुझे एक बार पीछे लात मारिए ताकि फिर से मैं अपने मंजिल तक पहुंच सकूं। अंकल बहुत जबरदस्त माल है ये। वैसे पटाखा है कौन? मेरी बेटी है। हाँ? आपकी बेटी? अरे बबूल के पेड़ पर फूल कैसे उगाए? क्या कहा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। पापा आज तो हमारे घर में कोई पार्टी नहीं है, तो ये यहाँ कैसे आ गया? आया नहीं हूँ मेम साहब, लाया गया हूँ ताकि मैं सारी जायदाद का एक लौता वारिस बनूं। क्या? हाँ कामिनी, अपने सेठ जी का खोया हुआ बेटा है। सच? हाँ बिल्कुल सच कामिनी। लेकिन क्या है कि जिंदगी भर फुटपाथ पे रहा है ना, इसे थोड़ा बदतमीज हो गया। चलो एक बात कान खोल कर सुन ले, दोबारा कभी मेरी बेटी की तरह आंख उठाकर देखा तो आंख निकाल कर हाथ में दे दूंगा। मेरी आंखें आपके कोट के बटन की तरह नहीं है जिसे आप जब चाहे निकाल लें। नकली बेटा बनाकर लाए हैं तो असली बेटे की तरह जरा राज करने दीजिए। बार बार धमकी दोगे तो पोल खोल दूंगा, समझे? और हाँ, एक दर्जन पान मेरे रूम में भिजवा देना। लगता है मैंने कुत्ते को घी पिला दिया। अबे चल बाहर निकल। अरे मुझे मत मारो, अंधा हो गया क्या? अरे अरे मारना मत, मारना मत, मैं हूँ सलीम, सलीम। अबे सलीम तू, और इस गाड़ी में, ये गाड़ी कहाँ से मारी? अरे मारी नहीं, ये गाड़ी मेरी है, मेरी है, मेरी है। क्या? हाँ ये सब तकदीर का चक्कर है मेरे दोस्त। साले तेरी तकदीर तो पैदा होते ही फूट गई थी, तू स्मगलिंग तो नहीं करने लगा? स्मगलिंग नहीं लेकिन एक्टिंग जरूर करने लगा हूँ। एक मिस्टर हीरा ने मुझे एक करोड़पति सेठ का नकली बेटा बना दिया। उस सेठ का बेटा बचपन में खो गया था, वही बेटा बनाकर हीरा ने मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया। वैसे शिवा मुझे तो लगता उनके असली बेटे को हीरा ने ही गायब किया। खैर अपना क्या लेना देना, अपने को तो अच्छा खाना मिलता है, अच्छे कपड़े मिलते हैं और घूमने के लिए इतनी बढ़िया गाड़ी मिलती है और रहने के लिए काली कोठरी भी मिलेगी। अबे तू इस हीरा को नहीं जानता, एक नंबर का हरामी है। ये जो तू सूट पहनकर आया ना, कुछ रहने नहीं वाला, सिर्फ चड्डी रह जाएगी। अरे तो फिर तू मुझे कहाँ जानता है, मैं तो हीरा की चड्डी तक उतार दूंगा। अरे जाता कहाँ है, आज तो मेरी जैकपॉट लग गई है, चलता है माल वाल उड़ाने उस जन्नत में। अबे साले तू नहीं सुधरेगा। आइए हुजूर, आइए तशरीफ लाइए, हसीनों का मेला। हेलो मौसी। अरे सलीम ये तू है? ओह यस मौसी, दिस सलीम लकम स्टार चेंज। क्या 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 बोला रे? इसका मतलब ये है कि आजकल तुम्हारे सलीम का किस्मत का सितारा बदल गया। अरे ये लो मौसी पैसे, चलो चले लड़के। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पारो कहाँ है? क्या बात, खबरदार हाथ मत लगाना। हाथ नहीं तो क्या मुंह लगाऊं? शिवा शिवा शिवा, मौसी ने पारो को बेच दिया। तो मैं क्या करूं? अरे कुछ कर उसे बचा ले, वरना वो लोग उसकी इज्जत नीलाम कर देंगे। अरे मैंने क्या उसकी इज्जत का ठेका लिया जो उसे बचाने जाऊं? शिवा क्या हो गया तुझे, आज आज तू कैसी बातें कर रहा है? कैसी बात का मतलब? अरे ना तो वो द्रौपदी नामक कृष्ण जो उसकी इज्जत बचाऊं, जा मेरा भेजा मत खा। एक मिनट शिवा, अच्छा हुआ आज मेरी आंखों के सामने से गलतफहमी का पर्दा हटा दिया तूने। अरे तू क्या जाने इज्जत क्या होती है, आज तक तूने लोगों को बेइज्जत ही किया है। माफ करना पारो, ये हीरों के व्यापारी हैं, इसलिए हीरे को करीब से देखने की इनकी आदत है। शिवा ये कपड़ा जो तू अपने सर पर बांधता है ना, जिसे तू अपना कफन कहता है, अरे जिस दिन तू मरेगा ये कफन तेरी लाश को जरूर ढांक देगा, लेकिन तेरे गुनाहों को कभी नहीं ढांक पाएगा। औरत की इज्जत बचाने से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है शिवा। अगर मुझे पुण्य नहीं पैसा कमाना है तो फिर दुनिया सच कहती थी कि तू नहीं अपनी माँ का खून। सलीम, हाँ, तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है ना, शायद किसी ने तुझे पैसे दिए होंगे अपनी ही माँ का खून करने। सलीम, मैंने अपनी माँ का खून किया है? हाँ, कोई बेटा अपनी माँ का खून कर सकता है? हाँ, कोई बेटा अपनी माँ का खून कर सकता है? मैं
मार लिया। अगर तू नहीं मारेगा अपने दोस्त को तो कौन मारेगा? चल आज थूक दे दुनिया की जुबान पर, बचा ले एक औरत की इज्जत को। अरे दुनिया माने या ना माने, तेरा यह सलीम जरूर मानेगा कि तू अपनी मां का कातिल नहीं है। कौन है? अरे शाबाश दल्ले, तुम मार खा रहा है। अच्छा एक बात बता, ये पैसे तेरे हैं? हरामजादे, तू आदमी है या जानवर? मैंने तुझसे कहा था कि मेहमानों को खुश करना है, इसका मतलब यह नहीं कि जबरदस्ती। जब पारो जी धंधा नहीं करना चाहती तो इन्हें उठाने की क्या जरूरत थी? देवा, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूं। वैसे भी तुम इनके किए की सजा तो दे ही चुके हो। तीन बेहोश हैं और ये सारा बेहोश होने वाला है। अब उल्लू के पट्टे माफी मांग। मुझे माफ कर दो शिवा। माफ कर दो, ताला बेहोश हो गया शिवा। अंदर आओ। पानी पी लो। नहीं लगोगे? चंदर, तुम्हारे हाथों की लकीरों से तो तुम करोड़पति हो। वो तो हूं, जिसे तुम जैसी लड़की प्यार करे वो करोड़पति नहीं तो और क्या है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम सचमुच लाखों लोगों को बिठाकर खिला सकते हो। लाखों लोगों को? शायद तरक्की हो जाए। वैसे होटल में बंदा हजार लोगों को बैठा खिला चुका है। मजाक लगता है? जाओ, अब कुछ नहीं बताते। मत बता। भैया के आने का वक्त हो गया। मुन्नी, हे मुन्नी। आ गया बेटा। पाए लागू बाबू जी, देखिए आपके लिए नया चश्मा लाया हूँ। अरे नया लाने की क्या जरूरत थी, उसी को बनवा देता। बाबू जी वो बहुत पुराना हो गया था और एकदम खराब। देख माँ, देख तेरे लिए साड़ी लाया। अरे बेटा, क्यों बेवजह फजूल खर्चे किया करता है? हर महीने की पहली तारीख को सबके लिए कुछ न कुछ लाता रहता है। बेटा
कभी अपने लिए भी तो कुछ खरीदा कर। अरे माँ, मैं ठहरा मजदूर आदमी, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, दो दो यूनिफॉर्म तो है, और क्या करना है। अरे पहनने घूमने की उम्र तो जूही की है। ए जूही, हाँ जूही, देख देख तेरे लिए क्या लाया हम, देख। अरे वाह, ड्रेस तो बहुत अच्छी है। अच्छा अच्छा, ज्यादा रोमांटिक मत बनो, लाओ मेरे हाथ में तनख्वाह दो। अरे भाई ये लो, इसमें से जूही के कॉलेज की फीस अलग कर देना। अच्छा, बाबूजी की ऐनक लाए? लाया मेरी जान, मगर हर बार की तरह इस बार भी तेरे लिए कुछ नहीं ला सका। सब कुछ तो है मेरे पास, तुम, तुम्हारा प्यार, और क्या चाहिए। अच्छा सुनो, मुन्नी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ बापू। अरे मेरी मुन्नी, आ जा 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 जा। क्या लाए हो बापू? अरे एक ऐसी चीज लाए जो देखोगे तो नाच उठोगी। मैं कैसे देखूं बापू? मुन्नी तो देख सकेगी। अगले महीने की पहली तारीख को मैं तेरी आंखों के डॉक्टर को एडवांस दे दूंगा, हाँ? और तेरे बर्थडे से पहले तेरा ऑपरेशन हो जाएगा, और तू तू सब कुछ देख सकेगी, सब कुछ देख सकेगी। सच बापू, मैं देखने लगूंगी। हाँ बेटे, फिर मैं सबको देखने लगूंगी ना, आपको, माँ को, दीदी को, दादा दादी को, और सबको देखने लगूंगी ना। हाँ बेटी, तो सबको देखने लगेगी, सबको देखने लगेगी, माँ को, मुझको, दादा दादी को, सबको देखने लगेगी मेरी बेटी। डॉक्टर साहब, नमस्ते। तुम्हीं से मिलने आया हूँ सत्यप्रकाश। मुझसे? हाँ। कोई खास काम? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? हाँ, आंखों के जिस एक्सपर्ट डॉक्टर का मैंने तुमसे जिक्र किया था वो आ गए हैं। तुम चाहो तो कल तुम्हारी बेटी की आंखों का ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, उसके लिए तो 50,000 रुपए की जरूरत है। उसकी फिक्र तुम क्यों करते हो? तुम सिर्फ ये कहो बच्ची की आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहते हो। ये भी कोई पूछने की बात है डॉक्टर साहब? मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा भाई? इसमें एहसान वैसान वाली कोई बात नहीं भाई। मेरा नाम हीरा है, अपने नाम की तरह मैं बिल्कुल हीरा हूं। दोस्त बनकर जो मुझे अपने गले लगा लेता है, मैं उसकी शोभा बढ़ा देता हूं।
खैर मैं ये कह रहा था कि हम तुम्हारी अंधी बच्ची की आंखों की रोशनी वापस दिलवा रहे हैं, तो बदले में जब कभी हमारा माल यहाँ से गुजरे तो तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। ड्यूटी पर मेरी आंखें सिर्फ मौत ही बंद कर सकती है। भाई अच्छा हुआ तुम घर पर ही मिल गए। एक आदमी को उड़ाना है। पिछली बार हीरा सेठ तुमने मुझे बादशाह को मारने की सुपारी दी थी और बादशाह के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो हीरा सेठ। बादशाह ने मुझे मरते वक्त कहा था कि तुमने उसे एक बच्चे को मारने के लिए पैसे दिए थे और वो इसलिए नहीं मार सका क्योंकि उसे उस पर दया आ गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है शिवा, बच्चों से तो मुझे भी लगाव है। वो सारा झूठ बोल रहा था, वो तो पैदाइशी गद्दार था। मेरी बात का यकीन करो। अब किसे मारना है? सत्य प्रकाश को, गोदी में काम करता है। इसके आगे पीछे भी कोई रोने वाला नहीं है, बिल्कुल अकेला है। एक मिनट, सत्य प्रकाश। मुन्नी फाइल देना बेटी। नहीं पहले पप्पी। ओहो हम तो भूल गए, अब फाइल दे दो। पापू आपको याद है ना आज पहली तारीख है, आपने मुझसे क्या वादा किया था? अरे हाँ याद है, अच्छी तरह याद है। आज शाम को मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, उसे अपॉइंटमेंट लूंगा और वादे के मुताबिक तुम्हारे बर्थडे से पहले तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा सब। अच्छा बेटी एक बात बताओ, सबसे पहले तुम किसे देखना चाहोगी? मुझे देखेगी और किसे? नहीं माँ मैं सबसे पहले पापू को देखूंगी। मेरी बिटिया है। अच्छा माँ, अच्छा बाबू जी। जी तेरा। बापू सेहत का ख्याल रखना, आते वक्त दवाई ले आऊंगा आपके लिए। हाँ अरे जूही कहाँ है? जूही। हाँ भैया। अरे अंदर क्या कर रही है तू, कॉलेज वॉलेज नहीं जाना है? जाऊंगी भैया। अरे क्या हो गया तुझे? ए जानकी क्या हो गया ऐसे? कुछ दिनों से देख रहा हूँ बड़ी चुप चुप सी गुमसुम सी रहने लगी है। ये आपको किसी से मिलाना चाहती है। अच्छा उससे? तेरी भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आज ही मिल लेते, 7 बजे मेरी ड्यूटी खत्म होती है, 7 बजे उसे गोदी पर भेज देना है? सारी बातें कर लूंगा। थैंक यू भैया, बाय। अरे अरे शैतान, मैंने तेरे भैया से बात की और तू मुझे थैंक यू भी नहीं बोलेगी? सॉरी भाभी, थैंक यू। सत्य प्रकाश, कौन हो तुम? इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? तुम कुछ लोगों के काम में रुकावट बन रहे हो, इसलिए मेरे चाकू ने तुम्हारे खून को चखने की कीमत ले ली है। चाकू तो बेजुबान होते हैं, उनके नाम पर खून बहाने की कीमत तुम जैसे दरिद्र। बकवास बंद करो, 9 घंटे की मोहलत देता हूं। अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हो कर लो सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश सच्चाई का रखवाला है, वो तुम जैसे किराए के कातिलों से नहीं डरता जो खून में डूबी हुई रोटियां खाते हैं। खामोश हो जाओ सत्य प्रकाश, वरना आज मेरा असूल टूट जाएगा। मैंने तुम्हें 9 घंटे जीने की मोहलत दी है। लेकिन मैं तुझे 9 घंटे की मोहलत नहीं दूंगा। सत्य तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। सुनो, ये किसने किया हमला आपके ऊपर? आपको कुछ नहीं होगा, घबराइए मत। मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ, अभी लेके आता। नहीं नहीं। अरे कोई है? चौकीदार चौकीदार, अरे कोई है? देखिए भाई साहब किसी ने हमला कर दिया, आओ हॉस्पिटल ले चले। खून, अरे खून कर दिया इसने, खून कर दिया, खून कर दिया, खून
अरे इसने साहब का खून कर दिया। मेरे को लेके आइए, मैं खून नहीं हूँ। बुलाओ पुलिस को, जल्दी बुलाओ, जल्दी बुलाओ पुलिस को, पकड़ो पकड़ो, जान ना पाए। अरे अरे, कौन हो तुम? कहां से चले आ रहे हो? देखिए, मेरे पीछे पुलिस पड़ी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। भगवान की सौगंध, मैं निर्दोष हूँ। तो मैं क्या करूँ? मुझे थोड़ी सी जगह दे दी छुपने के लिए। पुलिस चली जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। देखिए, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूँ। अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो मेरे बाबा भूख और सदमे से मर जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा उठो उठो, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे बचा लीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम वहां अंदर छुप जाओ। कौन था बाबू? किससे बातें कर रही थी? कोई अजनबी है बाबूजी। अजनबी? कौन अजनबी? पता नहीं, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, लेकिन मुझे तो लगता है वो बेचारा किसी का खून नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसे वहां। ओ भाभी, तुम बहुत भोली हो। मैं देखती हूँ कौन है वो बेकसूर। तुम ठहरो भाभी, मैं देखती हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? एक मुजरिम खून करके भागा है, कहीं वो यहाँ तो नहीं आया? यहाँ कैसे आएगा, आखिर ये भी तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर का घर है। सॉरी, मैंने आप लोगों को परेशान किया। ये तस्वीर किसकी है? मेरे पति की। क्यों इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मुझे दुख के साथ बताना पड़ रहा है, वो खूनी इन्हीं का कत्ल करके भागा है। ये क्या अनर्थ किया? भैया का खूनी उस कमरे में छुपा इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए उसे। लगता है भाग गया, चलो। दादाजी, दादाजी, दादाजी। हाँ बेटा। क्या हुआ दादाजी, आप रो रहे हैं? बेटा, तेरा बापू हमें छोड़कर इतनी दूर चला गया, क्या वापस लौट कर नहीं आएगा? माँ, माँ, माँ देखिए ना, दादाजी क्या बोल रहे हैं, रो भी रहे हैं, झूठ बोलते हैं। बापू मेरे आंखों का इलाज कराए बगैर कहाँ जा सकते हैं? बस अभी आते ही होंगे। तुम इसलिए नहीं रो रही हो ना माँ? माँ, मैं देख नहीं सकती, तुम मुझे छुपकर तो नहीं रो रही हो? ये एक विधवा की हाय है जिसने इस घर की खुशियां बर्बाद की है। भगवान उसे चैन से मरने भी न दे, मरने भी न दे। वाह बेटा वाह, सेंट लगा रहे हो। अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सर पर तेल लगाया है? नहीं अंकल, वही कसर तो मैं पूरी कर रहा हूँ। अच्छा जल्दी से 5,000 रुपया निकालिए। 5,000? क्यों नहीं क्यों नहीं, 5,000। अबे सड़क छाप, अपनी औकात मत भूल। मतलब औकात पर आ जाऊं? जो कपड़े पहन कर आया था वही पहन के निकल जाऊं? अरे रुक जा रुक जा, तू दामादों की तरह बात बात में बुरा क्यों मान जाता है? मेरा क्या, तेरे बाप के पैसे दिल उड़ा। थैंक्स यू। पर ये तो बता, इतने रुपयों का तू करेगा क्या? तोहफा खरीद कर दूंगा। तोहफा? इतना महंगा किसके लिए? आप ही ने तो आदत खराब करके रखी है उसकी। 5,000 से कम का तोहफा तो पसंद ही नहीं है आपकी बेटी को। रामजादी, क्या कहा? मेरा मतलब है मेरे बेटे, तू मेरी बेटी को क्यों फंसा रहा है? अरे भूत प्रेत भी साथ घर छोड़ देते हैं। अंकल, भूत प्रेत ही तो साथ घर छोड़ते हैं, इंसान तो घर में ही नजर रखता है। ओ संभल के कामनी, संभल के।
जब ठोकर तुम्हें लगती है तो चोट मुझे लगती है। इधर आओ। देखो रवि, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूँ तुम प्यार करती हो तो मुझसे, लेकिन प्लीज अपनी जुबान से मत कहना, मेरा छोटा सा दिल इतनी बड़ी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें, तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, तोहफा दिलाऊंगा, अपनी बड़ी गाड़ी में घुमाऊंगा, आलीशान होटल में खाना खिलाऊंगा। यकीन नहीं आता तो ये देखो, तुम्हारे कंजूस बाप के रुपए। क्या? मेरा मतलब है रुपए तो मेरे ही बाप के हैं, लेकिन रहते हैं तुम्हारे बाप की जेब में। चलो ना कामिनी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। ओफो, चली भी जाओ, क्यों दिल तोड़ती हो हमारे बेटे का? देखो बेटी, मेरे बच्चे ने पता नहीं कितने दुख उठाए हैं, तुम्हारे साथ रहता है ना बड़ा खुश रहता है। जाओ बेटी। आप भी कहो ना अंकल। चलो, बाय मम, बाय डैड, बाय अंकल। मिसेस सत्यप्रकाश, यही है, इसी ने मेरे पति का खून किया है। तुमने मेरे भाई का खून किया? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत। तुम खूनी हो, वैशी दरिंदे हो, हत्यारे हो, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए, खूनी हो तुम, खूनी, खूनी। मैंने खून नहीं किया, मैं खूनी नहीं हूँ। बेटे, क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? ये क्या कह रहा है तू, हैं? बता ना क्या कह रहा है तू। कुछ नहीं बता, कुछ नहीं, एक बुरा सपना देखा था। आप सब ठीक है? दादाजी, दादाजी। हाँ बेटे, मैं यहाँ हूँ, आ जा, आ जा, आ जा। क्या हुआ बेटे? दादाजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कल से माँ ने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। बापू आएंगे ना तो उनसे मैं माँ की शिकायत करूँगी। ऐसा नहीं कहते बेटे, तू अंदर जाके बैठ, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। जल्दी लाना दादाजी। जल्दी लाऊंगा बेटे। वहां से लाकर दोगे उसे? घर में तो कुछ भी नहीं है, इतने दिनों से छोटी मोटी चीजें बेचकर ही तो घर चल रहा था, मगर अब तो बेचने को भी कुछ नहीं रहा। इसे बेच दीजिए बाबूजी। ये क्या कह रही हो बहू, मंगलसूत्र बेचोगी? नहीं नहीं, पागल हो गई हो क्या? यही तो एक आखिरी निशानी है उसकी। उनकी आखिरी निशानी ये नहीं बाबूजी, मुन्नी है। अगर मुन्नी को कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? भूख लगने पर ये रोटी तो नहीं बन सकता बाबूजी, इसे बेच दीजिए। नहीं बहू, इसे रहने दो। सत्य के एक साथी ने मुझे गोदी में एक चौकीदार की टेम्पररी नौकरी दिलाने का वायदा किया है, जाकर उससे मिलता हूँ, भला आदमी है, शायद कुछ एडवांस भी दिला दे। कौन है भाई, कम से कम रात को तो आराम से सोने दिया करो। सोने का इतना ही शौक है हीरा तो कहो, ऐसी नींद सुला दूं कि दोबारा कभी जाग ही ना सको। अरे बलवंत, तुम? हाँ मैं। भाई सिंगापुर से लौटा तो पता चला कि तुमने सत्य प्रकाश का राम नाम सत्य कर दिया है, खुशी हुई है जानकर। अरे तुम खुश हुए तो हमारे लिए समझो भगवान खुश हो गया। मैं इतने बरसों से हांगकांग में सिर्फ खुश होने के लिए नहीं बैठा हूं, मुझे 24 घंटे सिर्फ नोट दिखाई देते हैं, नोट। और से सुनो, हमारा 50 करोड़ का कंसाइनमेंट 2 दिन में बॉम्बे पहुंचने वाला है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, गोदी के सारे आदमी समझो तुम्हारे मुलाजिम है बस। अगर फिर कोई ईमानदार दीवार बनकर खड़ा हो जाए तो उसे भी मिटा देना, और जब बात तुम्हारे हाथ से निकलने लगे तो हमें फौरन खबर कर देना, समझे? कर दूंगा खबर, अब कोई माइकल लाल केंकड़ा बनकर मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। बिल्ला, जहां भी अपनी बेटियां पड़ी हैं आराम से निकाल ले, कोई रोक टोक नहीं है, यहां कोई आने वाला भी नहीं है। क्यों भाई,
क्या हो रहा है ये सब? आवाज मत करो बाबा, ये सब बड़े खतरनाक गुंडे मवाली हैं, जान से जाओगे। मतलब कि जान के डर से तुम इन गुंडे मवालियों को सारा घर कानूनी माल ले जाने दोगे? अरे कैसे चौकीदार हो तुम? मैंने कहा ना आवाज मत करो। चुप रहो, मैं मौत से नहीं डरता। जल्दी करो, भागो, कोई आ रहा है। सत्य प्रकाश के बाद ऐसा कौन सा हराम ज्यादा पैदा हो गया जो ईमानदारी की सीटी बजा रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा हीरा सेठ। सारी बातें तय हो चुकी थी, हम सारा रास्ता साफ करवा चुके थे, मगर पता नहीं किसने ये सब गड़बड़ कर दी। जो भी आदमी है, मैं नहीं चाहता दोबारा सीटी बजाने के लिए जिंदा बचे। शिवा को फौरन वहां भेजो। कौन है भाई, कौन चाहिए? मुझे विशंबरनाथ से मिलना है। हाँ हाँ बोलिए, मैं ही विशंबरनाथ हूँ। मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? कौन हो तुम? मैं वो, कहीं तुम्हें बड़े साहब ने तो नहीं भेजा यहाँ नौकरी के लिए? हाँ बड़े साहब ने भेजा। अरे तुमने तो मुझे चौंका ही दिया, मैं खाना खाने बैठा ही था कि तुम्हारी आहट सुनी, मैं तो डर गया, मुझे लगा कि तुम भी वही हो जो यहाँ मारपीट करने आते हैं। आओ चलो वहां बैठ के बातचीत करते हैं। आओ आओ ना भाई, बैठो 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 भाई। लो खाना खाओ। लो भाई खाना घर का है, लो। मैं क्यों रूखी सूखी है इसलिए? क्या करूं बेटा, भगवान ने इस बूढ़े को बेसहारा कर दिया। हमारा बेटा यही नौकरी करता था, मार डाला किसी जालिम ने उसे, सत्य प्रकाश नाम था उसका। उस हत्यारे ने एक मां की गोद ही नहीं उजाड़ी, एक सुहागन को भी विधवा कर दिया। जवान बहन और मासूम बच्ची का सहारा भी छीन लिया। खैर मेरी इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना, खाना खाओ। अरे कहां गए? ये क्या लगा रही हो? दुर्गा माँ की तस्वीर। यहाँ कोई तस्वीर तस्वीर नहीं लगानी, इस घर की दीवारों को वीरान रहने की आदत है। शिवा ये भगवान की तस्वीर है, वो घर घर नहीं होता जहाँ मंदिर न हो। मुझे किसी मंदिर में रहने का शौक नहीं है, निकालो इस तस्वीर को बाहर फेंक दो। ऐसा सोचना भी पाप है शिवा। तुम और तुम्हारा भगवान कान खोल कर सुन लो, मेरा पाप और पुण्य से कोई वास्ता नहीं, जिस चीज को मैं जानता नहीं उसे मैं मानता नहीं, बाहर फेंक दो उस तस्वीर को। शिवा भगवान की तस्वीर तो उन कोठों पर भी होती है जहाँ औरत की इज्जत नीलाम होती है, उनमें और तुम्हें इतना फर्क है, उनका जमीर मर चुका है पर तुम्हारे अंदर जमीर है अभी तक, और जिस दिन तुम्हारा ईमान तुम्हारा जमीर जागेगा, भगवान को जानने भी लगोगे और मानने भी लगोगे। मुझे हर उस चीज से नफरत है जो जमीर नाम की चिड़िया को पर मारने का मौका दे। जमीर इंसान को अमीर नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हारा यह भगवान उसे गरीब और उससे भी बदतर बदनसीब जरूर बना सकता है। मैं इन दीवारों पे ऐसी कोई चीज देखना नहीं चाहता जो इंसान ने ढोंग के लिए बनाई हो। नहीं शिवा, और हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं शिवा नहीं, हट जाओ मेरे रास्ते से। मेरी बात तो सुनो। मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे रास्ते से।
क्या चाहता है तू? मुझे बदलना? अरे सत्य प्रकाश के बाप से तो क्या उसके पूरे खानदान से भी मिलवाएगा तो भी मेरा दिल नहीं पिघलेगा, मेरा जमीर नहीं जागेगा। इसलिए कि जमीर उसका जागता जिसका जमीर सोया हो। मेरा जमीर सोया नहीं, मर चुका है, और उसे किसी और ने नहीं, तूने मारा है, तूने। अगर हिम्मत है तो मेरे जमीर को जगा कर दिखा, दिखा। कौन है बे? माफ करना, मैं समझी मेरे बापू हैं। बुझी हुई लालटेन लेकर अपने बापू को ढूंढने निकली है, इसमें तो रोशनी नहीं है। रोशनी? रोशनी क्या होती है? शायद आपको भी नहीं मालूम। तुम? हाँ, मैं देख नहीं सकती। कौन हो तुम? मैं मुन्नी हूँ, अपने बापू को ढूंढने निकली हूँ। बहुत दिनों से वो घर पर नहीं आए। आप जानते ही क्या मेरे बापू को? कौन है तुम्हारे बापू? सत्य प्रकाश मेरे लिए आंखों के डॉक्टर को लेने गए थे, उसके बाद घर ही नहीं आए। सारे घर वाले रोते रहते हैं, मुझे कुछ बताते भी नहीं। मैं पूरी पूरी रात उनका इंतजार करती रहती हूँ। आज सब घर वाले सो गए तो मैं चुपके से उन्हें ढूंढने निकल आई। आप जानते हैं मेरे बापू को? मैं नहीं जानता तुम्हारे बापू को। ठीक है, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगी। अरे सुनो, इस वक्त तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊंगी, मगर आज तो उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। नहीं मुनी, मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे बापू को, अभी तुम घर जाओ। घर? लेकिन घर का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ठीक है। बापू को ढूंढने गई थी माँ। कितनी बार कहा है तुझे अपने बापू को ढूंढने मत जाया कर, अब वो तुझे नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। बता कहा गई थी तू? कहा गई थी? क्यों गई थी? क्यों गई थी? ये क्या कर रही हो बहू? इस मासूम को क्यों मार रही हो? यही है हमारा सत्य प्रकाश, जो हमें छोड़कर चला गया। लेकिन अब उस मासूम को कैसे समझाऊं? जिसे तू ढूंढ रही है वो तुझे अब कभी नहीं मिलेगा। अगर आज आप इसे ना मिलते तो पता नहीं कहां कहां ठोकरें खाती फिरती मेरी बच्ची। शिवा, चाकू छोड़ो। शिवा चाकू छोड़ो। शिवा मैं कहती हूँ चाकू छोड़ो। पागल हो गए हो क्या? ये देखो तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। हाँ पारो, मेरे हाथ खून से रंगे हुए, मेरे ये हाथ खून से रंगे हुए पारो, खून से। शिवा, शिवा क्या हो गया तुम्हें? शिवा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता पारो, मुझे अपने आप से नफरत सी होने लगी है। मैं इंसान नहीं शैतान हूँ, शैतान। क्या बात है शिवा, आखिर तुम इतने बेचैन क्यों हो? बताओ शिवा, कम से कम मुझे तो बताओ। मैं खूनी हूँ, खूनी। चंद रुपयों के लिए मैंने एक ऐसे गरीब इंसान की जान ले ली जो अपने परिवार का एक ही सहारा था, एक ही सहारा भरो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया पारो, इतना बड़ा पाप जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। मुझे कोई रास्ता दिखाओ पारो, बताओ मैं क्या करूं, वरना अपने आप से लड़ते लड़ते मैं मर जाऊंगा।
मैं मर जाऊंगा। प्रायश्चित के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है शिवा, अपने गुनाहों को कबूल करके अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन उससे भी बड़ा एक प्रायश्चित और है, जिन बेसारों का तुमने सारा छीना है उनका सारा बन जाओ, उन आंखों के सारे आंसू पोंछ दो जिन आंखों में तुमने आंसू दिए हैं। सारा सामान बाहर फेंको जो अंदर है, हाँ वो सब उठा लाओ, चलो फेंको इधर, हाँ इधर इधर लाओ, इधर फेंको। बनवारी हम पर तरस खाओ, ऐसा जुल्म मत करो, हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दो बनवारी। हाँ सेठ जी, हम वादा करते हैं कि हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। हाँ। पाई पाई? अरे अब तो तुम लोग एक पाई भी चुकाने काबिल नहीं रहे। जरा ये तो सोचो बनवारी, तुम हमें इस तरह बेघर कर दोगे तो हम जाएंगे कहाँ? अरे मैं क्यों सोचूं, जहन्नम में जाओ। रुक जाओ, लोगों को जहन्नुम में भेजने का बहुत शौक है तुझे, कहो तो मैं तुझे वहां पहुंचा दूं बिना टिकट। अबे कौन लगता है तू इनका? इनका जो लगता हूँ बाद में बताऊँ, पहले मैं तेरा इलाज कर दूँ। मुझसे हाथापाई मत करना, मैं बहुत कमीने किस्म का आदमी हूँ। जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन गरीबों का पीछा छूटे तुझसे। कितने का तेरा ये मकान? अच्छा तो तुम खरीदोगे? बहुत रुपए लगेंगे, इतने रुपए कहाँ से लाओगे? गायब हो गए थे तुम? पहली बार तुमने सुपारी लेकर अपना काम पूरा नहीं किया। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। झूठ बोलते हो तुम, झूठ तुम बोलते हो। सत्य प्रकाश का खून करवाते वक्त तुमने कहा था कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, कहा था ना? मगर वो बूढ़ा चौकीदार जिसका तुम खून करवाना चाहते थे वो उसका बाप है, और वो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने उसके बेटे सत्य प्रकाश को खत्म कर दिया। ना सिर्फ उसका बाप, उसकी माँ, बीवी, बहन, बच्चे सब खत्म हो चुके थे। जाओ जाकर देखो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे, शमशान हो गया उनका घर। हीरा सेठ, तुमने एक चाकू से छह खून करवाए मुझसे, छह जिंदगानियां खत्म करवा दी। शिवा, आज तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो, और एक पेशेवर मुजरिम के लिए मोड़ बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये मोड़ मेरे लिए खतरनाक साबित हो चुका है, मेरे बाकी के रुपए दे दे, वरना ये मोड़ मुझसे ज्यादा तेरे लिए खतरनाक साबित होगा। बाकी के रुपए? हाँ बाकी के रुपए। तूने मुझे सिर्फ एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, बाकी पांचों की मौत के पैसे भी तुझे ही देने पड़ेंगे। क्या बकवास कर रहा है ये, दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगा, जाओ भाग यहां से। सुपारी का पैसा खा जाने वाले को शिवा सुपारी की तरह खा जाता है। एक और खून करना पड़ेगा मुझे। तेरे इस विलायती पिस्तौल से ज्यादा दम है इस हिंदुस्तानी चाकू में। बोल अपने चमचे से, जाकर 2 लाख रुपए ले आए, वरना 2 लाख रुपए लेकर आओ जल्दी। रुक जाओ, ये पिस्तौल मुझे दो। शिवा, हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, इतना याद रखना। सस्ती पड़ेगी हीरा सेठ, वरना तुम्हारे साथ दोस्ती रख के और ना मालूम कितने बेगुनाहों का खून बहाना पड़ेगा, और ये नीच काम मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। बेटा ये क्या, ये घर तुमने हमारे नाम लिखवा दिया? हाँ बाबा, आज के जमाने में कोई किसी को 2 पैसे का उधार नहीं देता, और आपने हमें इतना महंगा मकान खरीद कर दे दिया। इतने सारे आसान क्यों कर रहे हैं आप? ये समझ लो भाभी, शायद पिछले जन्म का कोई कर्जा जो मैं चुका रहा। जुग जुग जियो बेटा, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, आज तुमने मेरे बेटे का सपना पूरा कर दिया। उनका एक सपना और भी था जो मुझे पूरा करना है। वो क्या बेटे? मुन्नी की आंखों में रोशनी जगानी है। जरा आंखें सामने करो, शाबाश, अब जरा ऊपर करो।
मिस्टर शिवा, आप जरा मेरे साथ आइए। मुझे अफसोस है मिस्टर शिवा, अगर इस बच्ची की आंखों का ऑपरेशन 6 महीने पहले हो जाता तो इसकी आंखों की रोशनी लौट सकती थी। इसका मतलब ये कभी देख नहीं सकेगी? नहीं डॉक्टर, नहीं, ऐसा मत कहिए। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे इसकी आंखों की रोशनी फिर लौट आए? है, एक तरीका है। चलो। चाचा, क्या कहा डॉक्टर अंकल ने? क्या मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ मुन्नी, तेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। सब कुछ देख सकेगी तू। अपनी मम्मी को देखेगी, मुझे देखेगी, सबको देखेगी तू। क्या सचमुच मुन्नी की आंखें ठीक हो जाएंगी? हाँ भाभी, हमारी मुन्नी देख सकेगी। लेकिन शिवा, डॉक्टर साहब ने कुछ बताया इसमें खर्च कितना होगा? खर्च की चिंता मत करो, इसकी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए मैं खुद को बेच भी सकता हूँ। शिवा, तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो रहा है, तुम्हारे जीवन के अंधेरे का सवेरा हो रहा है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचूं पारो? मेरे जुर्म साए की तरह मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, अंजाम कुछ भी हो सकता है। शिवा। हाँ पारो, बचपन में सिर्फ मां का प्यार मिला, मैं उससे बिछड़ गया। अब तुम्हारा प्यार मिला है, डरता हूं कहीं। नहीं शिवा, ऐसी बात न कहो। तुमसे बिछड़ने का ख्याल भी मुझे मुझे तड़पा देता है। बहुत देर हो गई शिवा, मुन्नी भूखी बैठी होगी। उसने कहा था जब तक शिवा चाचा नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। योर ऑनर, ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ है। मुलजिम शिवा ने 22 मार्च की रात गोदी के सिक्योरिटी ऑफिसर सत्यप्रकाश का खून किया और फरार हो गया। मैं अदालत में इंस्पेक्टर लाल को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जो मौके वारदात के चश्मदीद गवाह हैं। इजाजत है। इंस्पेक्टर लाल, 22 मार्च की रात जब गोदी के ऑफिसर सत्यप्रकाश की हत्या हुई, आपने मौके वारदात पर पहुंचकर क्या देखा? सिक्योरिटी ऑफिसर सत्यप्रकाश के खून से लथपथ लाश और मुजरिम को गुनाह करके भागते हुए देखा। और उसके बाद? मैंने मुजरिम का पीछा किया पर मुजरिम पुलिस को चकमा देकर भाग गया। ये बात आप दावे से कैसे कह सकते हैं कि वो शिवा ही था और कोई नहीं? मुजरिम शिवा का कदकाठी हूबहू उसी से मिलती है जिसका मैंने पीछा किया। बल्कि यूं कहिए योर ऑनर, वो शिवा ही था। गहराई से छानबीन करने के बाद यह पता चला है कि शिवा सुपारी लेकर खून करता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि खूनी शिवा के अलावा और कोई नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर। योर ऑनर, सुपारी लेकर खून करने वाला ये एक पेशावर हत्यारा है, एक खतरनाक हैवान है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इसे इतनी सख्त सजा दी जाए कि हर पेशावर हत्यारा किसी का कत्ल करने से पहले कांप उठे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम शिवा, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुलजिम की खामोशी ये जाहिर करती है कि वो अपना गुनाह कबूल करता है, इसलिए ये अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत सत्यप्रकाश के कत्ल के जुर्म में शिवा को मुजरिम करार देते हुए
ये अदालत सजाए। रुक जाइए जज साहब। आप कौन हैं? मैं सत्यप्रकाश जी की बेवा हूँ, जिनके कत्ल का केस यहाँ चल रहा है। आपको जो कुछ कहना है कटहरे में आकर कहिए। योर ऑनर, 22 मार्च की रात को मेरे पति का कत्ल करने के बाद इत्तेफाक से कातिल हमारे ही घर में घुस आया। अनजाने में मैंने उसे अपने घर में छुपने की जगह दी। जब इंस्पेक्टर लाल आए और उन्होंने ये बताया कि मेरे ही पति का खून हुआ है, तो ये सुनकर मुजरिम फरार हो गया। इंस्पेक्टर लाल, क्या ये सच है? यस योर ऑनर। योर ऑनर, अगर दुनिया में किसी ने कातिल की शक्ल देखी है तो वो मैंने, और मैं उस कातिल को करोड़ों में पहचान सकती हूँ। शिवा मेरे पति का कातिल नहीं है योर ऑनर, वो तो एक देवता है। वो बिल्कुल बेगुनाह है योर ऑनर, बिल्कुल बेगुनाह है। सत्य प्रकाश की पत्नी की गवाही ने इस केस को नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि असली मुजरिम को सिर्फ इन्होंने देखा है और यही उसे पहचानती हैं। इसलिए यह अदालत इस केस को खारिज करते हुए शिवा को बाइज्जत बरी करती है और साथ ही साथ पुलिस को ताकीद करती है कि असली मुजरिम को अदालत में जल्द से जल्द पेश करे। बहुत चाल चल ली तूने हीरा, अगर फिर कोई चाल चली तो मैं तुझे जिंदा रहने के लिए 9 सेकंड की मोहलत भी नहीं दूंगा और तेरे आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं रहेगा। गाड़ी स्टार्ट कर वरना एक झटके में सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम हो कौन? तेरे हरामी बाप का बाप हूँ। तुम चाहते क्या हो? पहले जगह पर पहुंचना, उसके बाद तेरे बाप का कर्जा सूद समेत वापस लौटाना। चला गाड़ी। कामनी, ओ मेरी कामनी। रवि! कौन? गाड़ी चला वरना जबान काट कर तेरे हाथ में रख दूंगा। चल गाड़ी चला। यहाँ तेरी चीख जंगल के जानवरों तक को सुनाई नहीं देगी। चल। देखो तुम मेरे सारे जेवर सारे रुपए रख लो और जाने दो मुझे, प्लीज। नहीं, प्लीज नहीं। रवि, रवि, आज अगर तुम ना आते तो तुम्हें मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ता। ऐसा मत कहो कामिनी, ये तो मेरा पर्स था। मैं कहती हूँ आज तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। आज फर्ज और एहसान की चार दीवारें तोड़कर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। रवि, मैं तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कि तुम मुझे चाहते हो। आई लव यू रवि, आई लव यू।
नहीं, अरे शिवा मुझे मत मार, अरे मैं बीमार हो जाऊंगा। अरे सुन, मैंने तुझे गलती से इतने जोर से ठोक दिया, मुझे माफ कर दे। साले उस वक्त मेरा छापड़ पड़ जाता ना तो तेरे बाल की खाल मेरे हाथ में आ जाती। अरे मेरी क्या मजाल कि तुझ जैसे महान गुंडे की इजाजत के बगैर मैं तेरी मूछ के बाल से भी खेल सकूं। दोस्त, आज तूने मेरी मोहब्बत, मेरे प्यार को हक दिलाने के लिए मेरे हाथों मार खाई। अब आगे बता, करना क्या है? लड़की तो अब तेरे हाथ में है, अब उसी लड़की के जरिए उसके बाप की जान तू अपने मुट्ठी में कर ले। मतलब शादी बाद में करना, पहले फटाफट उस लड़की से मंगनी कर ले। हाँ, मैं भी जाता हूँ। लेकिन बेटा रवि, देखो मम्मी, देखो डैडी, मैं झूठी कसमें नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं मरने से बहुत डरता हूँ, लेकिन मैं मरूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं अपनी जान जरूर दे दूंगा। बेटा, कब करोगे ये शुभ काम? क्या कहा? मेरा मतलब है कि क्या हो गया है इसे, क्यों ये ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रहा है? क्या करे हीरा, शादी करने की जिद कर रहा है। शादी? कौन बदनसीब लड़की करेगी इससे शादी? आपकी बेटी कामिनी। क्या हीरा? देखा डैडी, मैंने कहा था सुनते ही अंकल खुशी से उछल पड़ेंगे। क्यों हीरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो भाई, अब हमारी जिंदगी का क्या भरोसा। अच्छा होगा कि आंखें बंद होने से पहले बच्चों का घर बस जाए। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? कहाँ ये और कहाँ आम? क्या कह रहे हो हीरा? मेरा मतलब है कहाँ आम और कहाँ ये। हीरा, आज तुम कहना कुछ चाह रहे हो और मुंह से कुछ और निकल रहा है। घबराहट के मारे मेरी जबान साथ नहीं दे रही भाभी जी। घबराने की कोई बात नहीं है ससुर जी। ससुर जी, मेरा मतलब है होने वाले ससुर जी। मैं जानता हूँ हैसियत में आप हमसे बहुत कम है, लेकिन आप ही वो मान हस्ती है जिसने मुझे अपने बिछड़े हुए माँ बाप से मिलाया। सीधी तरह शादी के लिए मान जा, वरना तेरी पोल खोल दूंगा मैं। क्या बात कर रहे हो? आपने मुझे इस घर में पहुंचाया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो मेरा मतलब है रवि बेटा, सेठ जी, भाभी जी, अब आपसे कैसे कहूं कि मेरी बेटी इससे नफरत करती है? नफरत नहीं डैडी, मैं तो प्यार करती हूँ रवि से। Yes, Daddy. I love him. I love him, Daddy. जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा ससुर पाजी? अरे चंदर, ये लीजिए, एक ब्रेड दे दीजिए। कहाँ गायब हो गए थे? तुमने तो मिलना जुलना ही बंद कर दिया। मैं किसी उलझने फंसा हुआ था जूही। क्या तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हुआ? मेरे भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे पता है जूही। तुम्हें पता है और फिर भी तुम मुझसे मिलने नहीं आए? क्या हो गया है तुम्हें चंदर? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। इंसान अच्छा बुरा नहीं होता जूही, हालात उसे अच्छा बुरा बना देते हैं। मेरी क्या मजबूरी मैं तुम बता नहीं सकता। जूही, ओ जूही, तुम्हें जो कुछ भी समझाना है अब भाभी को समझाना, वो तुमसे मिलना भी चाहती हैं। देखो, मैं तुम्हारी भाभी से मिलना नहीं चाहता और ना ही आज के बाद तुम मुझसे कभी मिलने की कोशिश करना, समझी? चंदर, चंदर मेरी बात तो सुनो। चंदर, जूही, क्या हुआ? चंदर था, मुझसे मिला तक नहीं। जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है भाभी, अपने भी पराए हो जाते हैं। नहीं जूही, बस बस रोते नहीं। जूही, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? जिस रिश्ते का मैंने सिर्फ नाम सुना था, आज पहली बार किसी ने पुकारा। अब तेरा कोई दुख तेरा नहीं होगा। बता क्या बात है? जिस लड़के से इसका रिश्ता पक्का होने वाला था, आज वही इसे रुला गया। आज बाजार में जूही ने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बेगानों की तरह चला गया। कौन है वो, क्या नाम है उसका? इस धरती पर जहां कहीं भी होगा उसे उठाकर मैं यहां ले आऊंगा। उसका नाम चंदर है,
चंदर, कहीं ये वो लड़का तो नहीं जो होटल में काम करता है? हाँ। अरे उसका घर पता ठिकाना तो मुझे मालूम है, मैं अभी उसके बाबा से तुम्हारी शादी की बात कर कर आता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा कि जूही और चंदर की शादी हो जाए, लेकिन उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का हक मुझे नहीं है, क्योंकि चंदर मेरा अपना बेटा नहीं है। मैं जानता हूं बाबा, मगर उसकी जिंदगी पर आपका हक उसके असली माँ बाप से भी ज्यादा है। वो जो माँ बाप उसे इतने बरसों ना मिले, पता नहीं कब मिले और शायद ना भी मिले हैं। नहीं बेटा, चंदर के असली माँ बाप उसे जरूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। मेरा दोस्त बादशाह उन्हें अच्छी तरह जानता है। चंद महीने पहले वो मुझसे मिलने के लिए आया था और कह गया कि चंदर एक करोड़पति सेठ का बेटा है, लेकिन उसने सेठ जी का नाम नहीं बताया और कहा कि वो जल्दी ही आकर उसे उनसे मिलाने के लिए ले जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया बादशाह को, उसके बाद लौट कर आया ही नहीं। बस तभी से मैं उसकी राह देखता हूं ताकि मेरे गरीब चंदर को उसका हक मिल जाए। किसका खून बहाता शिवा, एक दूध पीते मासूम बेगुनाह बच्चे का, जो अपने बचाव के लिए न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। मुझे तो लगता है उनके असली बेटे को हीरा ने ही गायब किया। खैर अपना क्या लेना देना, अपने को तो अच्छा खाना अच्छे कपड़े वपड़े मिलते हैं और घूमने के लिए इतनी बढ़िया गाड़ी। ये बादशाह खड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, खत्म कर दो इसे। क्या बात है बेटे, कहां खो गए थे तुम? कहीं नहीं बाबा, आपके चंदर को उसका हक मिलेगा, चाहे आपका दोस्त बादशाह लौटे या ना लौटे। कैसे गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर जिंदा करने और तुम्हें मुर्दा करने आया हूं? शराब पीकर आयो क्या? बादशाह को तुमने जिस बच्चे को मारने की सुपारी दी थी वो सेठ धनराज का बेटा है ना? घबरा गए? सेठ धनराज का बेटा मेरे पास है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सेठ धनराज का बेटा उनके पास तक पहुंच गया है? वो नकली बेटा है, असली बेटा उनके पास मैं पहुंचाऊंगा। तुम बकवास कर रहे हो। ये बकवास नहीं हकीकत है। फिलहाल तुम्हारे ऐशो आराम के दिन खत्म हो चुके हैं, इसलिए पहले बता रहा हूं अपने रहने का इंतजाम कर लो, क्योंकि बंबई शहर में छत ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर जाती है। मेरी उम्र गुजरने से पहले तुम्हारा बाप तुम्हें ऊपर तक पहुंचा देगा। किसका बाप किसे कहां पहुंचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्यों बेटे, होटल पसंद आया? लाजवाब है पिताजी, खाना भी यहाँ लाजवाब बनता होगा ना? हाँ बनता है बनता है। सारी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजारी, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा कारोबार मैं संभालूंगा कैसे? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो बेटे, कारोबार संभालने के लिए मैं जो हूँ। नहीं ससुर जी, अब आप भी बूढ़े हो गए, आपको भी आराम मिलना चाहिए। आखिर आप कब तक काम करते रहेंगे? देखिए कल से आपको होटल में आने की कोई जरूरत नहीं। क्या बोला? मैं तो वॉचमैन से भी कह चुका हूँ कि अगर आप आ भी गए तो आपको अंदर नहीं आने दे। देखा हीरा, तुम्हारी बेटी के साथ मंगनी होते ही कितना ख्याल रखने लगा तुम्हारा। हाँ सेठ जी देख रहा हूँ देख। सेठ जी आप इसको बाकी का होटल दिखाइए, मैं अभी आता हूँ। आओ बेटे। क्यों आए हो? सेठ जी को यह बताने कि तुम कितने धोखेबाज और नमक हराम हो। सबूत के लिए सेठ जी के असली बेटे को साथ नहीं लाए? कहां है वो? वो मेरी हिफाजत में है। हमारी हिफाजत में भी कोई है?
उसकी आवाज सुन। चाचा मुझे बचा लो चाचा, चाचा इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है चाचा, चाचा मुझे बचा लो चाचा, चाचा। अब बताओ इधर चलें या उधर? मुन्नी, मुन्नी, हरामजादे, बता मेरी मुन्नी कहाँ है? बता। नहीं शिवा, नहीं। अभी तो तुम सिर्फ अपनी मुन्नी का रोना सुन रहे हो, लेकिन अगर तुमने हीरा पर हाथ उठाने की गलती की तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा अपनी मुन्नी की लाश पर। हमसे बहुत आंख मिचोली खेल चुके तुम शिवा। एक बात याद रखना कि इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई बाप होता है, और तुम्हारा बाप आ गया। क्या बात है शिवा, हमें देखकर पसीना क्यों छलक आया तुम्हारे माथे पर? अचानक तुम्हारे चेहरे का यह रंग क्यों उड़ गया? इसलिए कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी जिंदगी में चेहरा मेरे सामने होगा। इसका मतलब यह है कि औरों की तरह तुमने भी हमारी मौत की झूठी खबर सुन रखी थी। अब क्या करें शिवा, हमें मरने की आदत नहीं है, सिर्फ जान लेने का शौक है। इसीलिए आज तुम्हें यहां बुलाया है। सुना है कि तुम एक पेशावर कातिल हो, पैसा लेकर लोगों का खून बहाते हो। खून बहाने का यह घिनौना खेल खेलना मैं छोड़ चुका हूं शिवा। जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, जबकि तुम्हारी है एक मासूम बच्ची। हाँ। अरे नहीं, नहीं शिवा, नहीं, बेचारी मुन्नी को और तकलीफ पहुंचेगी। हारना या नाकाम होना मेरी फितरत में नहीं है शिवा, तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। काम क्या करना होगा? किसी का खून करना है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, बरसों पहले हमारे गद्दार साथी बादशाह की वजह से वो बच्चा बच गया था, अब वो जवान हो गया है। ये कहानी आज से कई बरस पहले शुरू होती है, जब मैं, हीरा और बादशाह, हम तीनों ने एक साथ मिलकर जाएगी पुलिस स्टेशन मेरे खिलाफ। जाएगी चल हमारे साथ। इस तरह उस बच्चे की खातिर मुझे अपनी बीवी का खून करना पड़ा और इल्जाम मैंने अपने बेटे पर लगा दिया। बहुत खूब बलवंत साहब, आज पहला आदमी देखा जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी कमजोर लोगों में होती है शिवा, हम जैसे लोगों में नहीं। खैर, जो काम तुम्हें दिया गया है जितनी जल्दी कर सकते हो कराओ और अपनी मुन्नी को वापस ले जाओ। हमारे दो आदमी तुमसे दूर दूर, मगर तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। और हाँ शिवा, मुझे किसी भी किस्म की होशियारी या चालाकी से सख्त नफरत है, तो गलती से भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी मुन्नी की जान पर बना है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी औकात भूल गया था, इसलिए मैंने हीरा अंकल के साथ बदतमीजी की। लेकिन अब मैं आप लोगों की हैसियत जान चुका हूं। जब आपने शिवा जैसे आदमी की ऐसी तैसी कर दी तो मैं किस खेत की गाजर हूं? अरे गाजर नहीं, मूली मूली। अरे एक ही तो बात है। बलवंत साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई दौलत जायदाद नहीं चाहिए, अरे मुझको उनकी बेटी भी नहीं चाहिए। ये हुई ना बात, यही ठहरो, मैं जायदाद के कागजात तैयार करके लाता हूँ, हिलना नहीं। नहीं हिलूंगा, मैं बैठ सकता हूँ? थैंक यू। Thank you.
बलवंत साहब, मुन्नी को छोड़ दो, तुम्हारा प्यादा मेरे कब्जे में है। गुनाहों की शतरंज में ऐसे प्यादे या तो मारने के काम आते हैं या मरने के, लेकिन राजा को प्यादा ना तो शह दे सकता है और ना ही मात। अगर ये नेक काम तुम नहीं कर सकते तो हम कर देते हैं। यही तो मैं चाहता था बलवंत साहब, कि तुम्हारे हाथों एक और खून हो, जिसका चश्मदीद गवाह सिर्फ मैं अकेला नहीं बल्कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हो। इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर कुमार, तुम बच्ची को लेकर आओ। यस सर। चलो। मिस्टर बलवंत, यू आर अंडर अरेस्ट। चाचा। मुन्नी, तू ठीक है ना मुन्नी? तूने ऐसा बोल हरामजादे, क्यों फंसाया मुझे? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर फैला हुआ है? बोलता क्यों नहीं कमीने, बता। वही बताने आया हूं आज। बरसों पहले आपने भी मेरे साथ ऐसी हरकत की थी बलवंत साहब, इसी तरह मुझे एक खून के इल्जाम में फंसाया था आपने। मैंने तुझे? किसके खून की बात कर रहा है तू? एक मासूम भोली भाली कमजोर और लाचार औरत के खून की बात कर रहा हूं मैं, जो तुम्हारी पत्नी और मेरी मां थी। तू मेरा बेटा? जिस लफ्ज का मतलब नहीं जानते तुम, उसे जबान पर भी मत लाओ। ऐसा मत कह शिव। शिव नहीं, शिवा। कल के मासूम शिव को आज का मुजरम शिवा बना दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से मेरा बचपन चिल्ड्रंस होम के सख्त जमीन पर जाते हुए गुजरा, और मेरी जवानी हाथ में चाकू लिए जुर्म की दुनिया में खो गई। कितनी अजीब बात है, लोग अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, वकील इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन तुम शायद दुनिया के वो पहले बाप हो जिसने अपने बेटे को एक पेशा और कातिल बना दिया। परसों पहले जो नफरत का बीज तुमने बोया था, आज उसी की फसल काट रहे हो तुम। अच्छा, तो उस बात का बदला ले रहा है तू। बेटा, तू शायद ये भूल रहा है कि बाप बाप होता है। बेटा 10 जन्म लेने के बाद भी बाप का बाप नहीं बन सकता। बरसों पहले मैंने तेरा बचपन बर्बाद किया था ना, अब बाहर आकर तेरी जवानी तबाह करूंगा। अब तुम बाहर आओगे तो सिर्फ शमशान जाने के लिए आओगे। फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। दुनिया में अब तक ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। और हां, जो फांसी का फंदा तूने मेरे लिए तैयार किया है, उसे अगर बाहर आकर तेरी गर्दन में नहीं फंसाया तो मैं भी तेरा बाप नहीं। चलो चंदर, अब तुम्हें यहां छुप के रहने की जरूरत नहीं है। मगर शिवा भैया, कहां ले जा रहे हैं मुझे? इस वक्त तक मेरे बाप को फांसी लग चुकी होगी। आज मेरे साथ साथ तुम्हारी जिंदगी का भी बहुत बड़ा दिन है चंदर। आज मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवाना चाहता हूं। क्या? मेरे माँ बाप से? हाँ चंदर। Thank you.
शिवा भैया, क्या यही मेरा घर है? आ चंदर, मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि सेठ सेठानी मेरे माँ बाप हैं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आओ शिवा आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैंने अपने दोस्त बलवंत को फांसी के फंदे से बचा लिया है। बलवंत ने मुझे बताया कि तुम उसके बेटे हो, जान के बहुत अच्छा लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे बेटे को मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। अब तुम चंदर को लाए उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए। वो माँ बाप इस वक्त बलवंत के कब्जे में है, फैक्ट्री में। धंधे की मजबूरी है। आज इसे इसके माँ बाप से मिलने से तू तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अगर तूने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मेरे एक इशारे पर तेरी बेटी की खोपड़ियां उड़ जाएगी। देख उधर। बॉस, लगता है हीरा अंकल शिवा को लेकर आ गए। गुड। अरे लगता कोई और आ गया, दरवाजा तोड़ दिया। गुड नॉट गुड। शिवा, शिवा ये क्या चक्कर है? सुना है चंदर मेरा अपना? हाँ सेठ जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पहले मैं आप लोगों को। चाचा, मुझे बचाओ, चाचा। बहुत हो गया तुम्हारा खेल तमाशा शिवा, अब एक भी गलत कदम उठाया तो मैं इन सबके चीथड़े उड़ा दूंगा। मैंने कहा था ना कि आज तक कोई ऐसी रस्सी ही नहीं बनी जो बलवंत की गर्दन में फिट होकर फांसी का फंदा बन सके। तू मेरी मौत का जश्न मनाने वाला था ना, जश्न तो अब मैं मनाऊंगा तेरी मौत का। पर आज उस कहानी को भी खत्म कर देंगे जो बरसों पहले हमने शुरू की थी। ये लो सेठ जी, मिल लो अपने असली बेटे से। जाओ भाई, जाओ बेटा, अपने माँ बाप के गले मिलकर दो आंसू बहा लो। जाओ चंदर। आ बेटे, आ अपनी माँ के गले लग जा। पिताजी। चंदर, रुक जाओ।
मैं ठीक कह रही हूँ जूही, मेरी आंखें ये मनुष्य चेहरा कभी नहीं भूल सकती। ऐसा मत कहो बहन। हमारा बेटा कातिल नहीं हो सकता, जरूर जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तो आप खुद इससे पूछिए, क्या ये मेरे पति का कातिल नहीं है? क्या ये उस दिन मेरे घर नहीं आया था? ये सच है कि उस दिन मैं आपके घर आया था, यह भी सच है कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन ये सच नहीं कि सत्यप्रकाश भैया का कत्ल मैंने किया। हमारी खुशियों में आग लगाने वाला अपराधी तू ही है। छोड़ दीजिए मुझे, बहन कहती हो छोड़ दीजिए मुझे, मैं इस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेजू छोड़ दो इसे भाई हीरा, यहाँ तो एक कहानी में दूसरी कहानी मिल गई। तेजू इसे पिस्तौल दे दो, अब ये अपना बदला खुद ले लेगी। आपका अपराधी चंदर नहीं है। तुम ये कैसे कह सकते हो? इसलिए कि वो खून चंदर ने नहीं, मैंने किया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। फरिश्तों के हाथों से ऐसा घिनौना जुर्म नहीं हो सकता। आप जिसे फरिश्ता समझती वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपने आज तक मेरा असली रूप नहीं देखा। मैंने इस सत्यप्रकाश जैसे ईमानदार इंसान को मौत के घाट उतारा है। ये नहीं हो सकता, ये हर केस नहीं हो सकता। आज तक मुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं थी और आज तुम में सच सुनने की हिम्मत नहीं है। सच तो यही है भाभी कि मैंने तुम्हारे पति को मारा है, इन हाथों से, इन्हीं हाथों से भाभी। क्यों क्यों मारा उन्हें? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी? मैं तो उन्हें जानता तक नहीं था। फिर क्यों जान दिया तुमने मेरा सहाग? चंद रुपयों के खातिर। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों की मैं जान ले लेता हूं उनके घर वालों पर क्या बीतती है। लेकिन पहली बार तब पता चला जब मुझे बाबा को मारने की कीमत दी गई। बस वहीं आकर मेरे जुर्मों की गाड़ी इंसानियत की चट्टान से टकरा गई और उसके बाद मेरी जिंदगी में दो दुश्मन रह गए, एक चाकू और दूसरे वो लोग जो गरीबों के हाथों में चंद नोटों के टुकड़े रखकर गरीबों का ही खून करवाते हैं। और वो लोग ये हीरा और मेरा अपना बाप बलवन। और जब तक इन जैसे लोग जिंदा हैं, मुझ जैसे शिवा पैदा होते रहेंगे भाभी। इतना क्या सोच रही हो? उठाओ पिस्तौल और मिटा दो इसे जिसने तुम्हारी मांग के सिंदूर को मिटाया है। चला बेटे, गोली चला, रुक क्यों गया? मैं बताता हूं बेटे के गोली कैसे चलाई जाती है। बलवंत अंकल, इससे तो उसके बदन में सिर्फ 6 सुराख होंगे और इससे 636 ये लीजिए और भून डालिए साले को। गुड आइडिया। मी मायसेल्फ रैम्बो फ्रॉम यूएसए। नहीं चलेगी बल्लू। ससुर जी, अरे क्या कर रहे हो बेटा? वो क्या है कि पिस्तौल तो मिल गई है, इसे चलाते कैसे है? अरे पिस्तौल को तो सीधा कर लो ऐसे। अब चलाओ बेटा ऐसे। ये शुभ काम आप ही कीजिए। बड़े शौक से। Yeah.
ये लीजिए। ये तो खाली है लेकिन ये तो भरा हुआ है या पारो नहीं, एक न एक दिन तो यह अंजाम होना था। बस खुशी इस बात की है कि ऊपर जाकर मैं अपनी मां से कह सकूंगा कि तेरे अपराधी को उसके किए की सजा दे दी तेरे बेटे ने। भाभी भाभी भाभी, सबसे बड़ा गुनहगार मैं आपका हूं। अगर आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया तो मेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना भाभी। बोलो शिवा भैया, बोलो। मरने के बाद मेरी आंखें मुन्नी को दे देना। शिवा भैया, इन आंखों ने हमेशा बुराई के सिवा और कुछ नहीं देखा। मैं चाहता हूं इन आंखों से मुन्नी दुनिया की हर अच्छाई देख सके। सलीम, हाँ सलीम मेरे यार। हाँ शिवा, हाथ उठाकर दुआ मांग, दुआ मांग मेरे यार, ताकि मैं आसानी से मर सकूं। भगवान या अल्लाह। नहीं।